जय गुरु जी महाराज। भाटिया आंटी ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में आए गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत। शुक्राना गुरु जी। इट्स अ वेरी हैवी मोमेंट टुडे फ्रॉम पास्ट वन वीक। और पर इसके साथ साथ एक फीलिंग ये भी है कि लाइक गुरुजी अपने ऊपर कष्ट लेते थे। गुरुजी ने कुछ कुछ संगत को दिखाया वो चीजें जो अभी सिंगल अंकल ने भी कंफर्म की कि गुरुजी जब बहुत लोगों का कष्ट ले लेते थे तो उनकी तबीयत खराब हो जाती थी और उनको पार्ट से डिसॉल्व करते थे गुरुजी, अपनी शक्तियों से उसको करते थे। तो ऐसा कुछ इन आँखों को भी दिखाया था गुरुजी ने। तो ये मोमेंट बहुत हैवी भी है और इट्स लाइक हम कहीं बैक ऑफ द माइंड शांति भी है कि गुरुजी इतने कष्टों से हम बेवकूफ़ों के कष्ट ले लेके अपने ऊपर और हम कोई नहीं उनको समझ पाए गुरुजी को। और गुरुजी कहते भी थे कि मैं एवरीवन थिंक्स कि सब लोग सोचते हैं कि कोइंसिडेंस हो गया और जो कोइंसिडेंस नहीं होता था। गुरुजी हमारा जो भी कष्ट हरते थे हम कहते थे टाइम आने पर चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बीमारियां ठीक हो जाती हैं, बट वो एक चीज़ नहीं थी। तो इस बात का थोड़ा सा सुकून है कि गुरुजी को अब उससे मनुष्य रूपी जो जीवन था और मनुष्य रूप में उनको अपने ऊपर इतना कष्ट उठाना पड़ता था उन चीज़ों से गुरुजी मुक्त हो गए। और ये बात मेरे बेटे ने मुझे उस दिन समझाई जिस दिन गुरुजी ने महासमाधि ली और मैं बहुत रो रही थी, कंट्रोल में नहीं था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो उसने ये चीज़ समझाई कि मम्मा ये तो खुशी का मोमेंट है कि गुरुजी इन चीज़ों से निकल गए। भगवान अपनी जर्नी खुद तय करते हैं, भगवान धरती पर आना, उनका जाना, तो उसके बारे में हम लोग इतना नहीं कुछ भी बोल पाएंगे। हाँ, उनके साथ का जो वक्त है वो जरूर, जो लास्ट में गुरुजी ने दिया वक्त, वो उसको हम एज अ सत्संग सुना सकते हैं। जब मेरा लास्ट डे गुरुजी ने मुझे बुलाया, उसे मेरा डे नहीं था वहां जाने का, क्योंकि अगर नई संगत नहीं है तो मैं नहीं जा सकती, बट एक खिंच थी जाने की और कोई संगत भी अरेंज हुई होगी तभी मैं वहां गई। तो गुरुजी ने बोला ले आज तू फिर आ गई। तो मैंने कहा कि हाँ गुरुजी, मैं रुक नहीं पाई, मुझे आना था। देन गुरुजी सेट कि चल चंगा कीता, तू बहुत चंगा कीता, मैं ही बुलाया आज तेनू, ते जा बाहर बैठ जा ते मेले पाठ कर। सो गुरुजी ने बाहर बिठा दिया, जो एम्पायर स्टेट का मेन डोर आता है उसके उससे पहले। तो वहीं मैं बैठ गई और जो भी गुरुजी ने करवाया होगा, और तो कुछ आता ही नहीं था मुझको, एक ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, आंख बंद करके चलता रहा। तो वहीं पे मुझे लंगर आया क्योंकि रश बहुत था उस दिन। लंगर खा के मैंने कहा चलो गुरुजी के पास जाती हूँ, तो एकदम मुझे गुरुजी के गुस्सा करने की आवाज आई लोगों को। लोग लंगर करके अपने आप से जाते थे, लोग वहां पर आज्ञा ले लेते थे, कई बहुत सारी संगत होती थी जो लंगर करते ही चली जाती थी, तो वो आज्ञा लेते हुए चले जाते थे और जिसको उनमें से भी गुरुजी को रोकना होता था गुरुजी उनको रोक देते थे और कुछ लोग बैठ जाते थे, फिर गुरुजी धीरे धीरे उनको भेजते थे। बट उस दिन क्या था कि संगत आगे आ रही है पैर छूने और गुरुजी उनको मना कर रहे हैं आगे ना हो, आगे ना हो, बट लोग हैं, हम लोग डीट लोग हैं, भगवान सामने बैठे हैं, भगवान के सामने बैठे हुए भी आदेश नहीं मानना तो बाद में क्या मानेंगे। तो लोग फिर भी आके बस कोशिश यही हो रही थी, उनकी भीड़ लगी हुई थी एकदम, मैं दरवाजे पे थी और गुरुजी की एकदम जोर से आवाज आती है कि सिंगले आप दफा कर इन्होंने, और उस दफा में भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे गए होंगे गुरुजी जितने भी लोग सामने खड़े थे। मैंने कहा आज गुरुजी बहुत ओके हैं क्योंकि गुरुजी ने कई बार ये चीज देखी, जब गुरुजी बहुत परेशान होते थे ओके होते थे तो पता चलता था, इन आंखों को दिखाया वो वाली चीज। तो मैंने कहा नहीं आज आगे नहीं जाना चाहिए, यहीं से हाथ जोड़ के मैं मुड़ जाती हूँ। मैं दरवाजे से मुड़ी और एकदम गुरुजी की आवाज आती है,
गुरु जी कहते हैं भाटी आंटी मैं तेनू नहीं क्या जान ली, तेनू ते मैं बुलाया आज, तू अंदर आ। गुरु जी मुझे नहीं देख सकते बट वो तो भगवान है, उस समय नहीं देख सकते थे क्योंकि मैं दरवाजे के बाहर थी और वहां तक आवाज आनी उनकी एक बहुत बड़ी बात थी। और मैं अंदर गई तो गुरु जी के पास कोई नहीं था, कोई भी नहीं था उस वक्त, खाली एक अमर सिंह कोई पॉलिटिशियन आते थे गुरु जी के पास, वो उनके लेफ्ट में बैठे थे। गुरु जी ने मुझे राइट में बिठाया अपने, तो गुरु जी कहते हैं कि अमर सिंह को कि अमर सिंह है भाटिया आंटी है मेरी बहुत बड़ी भक्त है, तो मुझे ए ना वाइट मनी दी मालकन है। तो मुझे लगा कि गुरु जी ये क्या है, लाइक कि अगर मुझे कहते हैं कि भाटिया आंटी है अमर सिंह है और पॉलिटिशियन है बड़ी पार्टी का लीडर है तो बात है, तो चिढ़ जाएगा इस बात से, और उसको कह रहे हो कि मैं वाइट मनी की मालकन हूँ तो गुरुजी तो पॉलिटिशियन पीछे पै जाएगा। तो खैर मन में थॉट्स चल रहे थे, गुरुजी तो गुरुजी हैं, भगवान हैं, वो तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। देन गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया, कुछ चीजें समझाई जो कि मुझे आज मैं उन वचनों को याद करती हूँ तो वो चीजें बिल्कुल वही थी जो गुरुजी अपना मनुष्य रूप छोड़ रहे थे। बहुत बार गुरुजी के मुंह से सुना आंटी वक्त बहुत कम है, कम बहुत ज्यादा है, बहुत थोड़ा वक्त रह गया, कम बहुत ज्यादा है, ऐसे दो तीन बार गुरुजी के मुंह से सुना तो कुछ समझ नहीं आता था कि गुरुजी ऐसा क्यों बोलते हैं कि वक्त कम है, समय कम है, जो गुरुजी की भाषा थी, तो कम बहुत ज्यादा है। कई बार मुझसे हिंदी में भी गुरुजी बात करते थे क्योंकि मुझे पंजाबी बहुत ज्यादा समझ नहीं आती थी। सो देन गुरुजी सेड कि उस दिन की आंटी हुन जो है तू जो भी नवी संगत लेके जाएंगी ना वड्डे मंदिर लेके जाएंगी आज तो बाद। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा गुरुजी, मन में सोचा कि गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं मुझे कि जो भी हुन नवी संगत लेके आएंगी तू वड्डे मंदिर लेके जाएंगी। मैंने कहा गुरुजी तो खाली चार पांच बड़े फंक्शनों में बड़े मंदिर होते हैं तो, पर लेकिन अब मेरा क्या नई संगत ले जाना बंद हो गया, और बड़े फंक्शनों में तो गुरुजी नई संगत से मिलते भी नहीं है, वहां तो दूर 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 सारा हिसाब किताब होता है, मिलाने का मौका ही नहीं होता। कई बार गुरुजी की मौज हो तो मिल जाते थे, हम लोग बुला लेते थे अपने पास, तो वो अलग बात होती थी। तो मैंने कहा मेरे को लगता है कि मेरे अब दो ही दिन रह गए गुरुजी के पास आने के, मेरी सोच वहीं तक गई, बट वो गुरुजी को सब मालूम था, गुरुजी ने प्लान किया हुआ था। तो आज अगर उस बात को सोचो तो कितनी बड़ी बात थी उसके अंदर कि उस समय फिर अम्पायर स्टेट बंद हो गया और बड़ा मंदिर खुल गया, वहाँ रोज सत्संग होने लगे और अम्पायर स्टेट संगत जानी बंद हो गई, काफी टाइम वो बंद रहा, फिर खुल गया, वो कभी खुलता है कभी बंद होता है जैसे भी है वहाँ का, पर अब जो है बड़ा मंदिर हो गया। गुरु जी ने ये भी बोला मैं वहाँ पे 9 10 ज्योतिर्लिंगों का सार छोड़ के जा रहा हूँ, जो कुछ है वो सब बड़ा मंदिर, मंदिर इक्को ही है वो है वड्डा मंदिर, उत्थे ही सब कुछ होगा, जो बाहर तो भी लंघ जाऊगा वो भी ब्लेस हो जाऊगा, जो अंदर तक नहीं जा सकूगा वो भी ब्लेस होके जाऊगा, उत्थे सब कुछ है, उत्थे बड़ी शक्तियां ने। गुरु जी ने ये बोला, फिर बोला कि लाइना लगनगिया और दर्शन भी नहीं होंगे, और वही हुआ फिजिकल फॉर्म में हम गुरु जी के दर्शन नहीं कर पा रहे। हाँ बट ये गुरु जी ने फील करा रखा है कि गुरुजी हम सबके साथ हैं, और आज भी फीलिंग होती है गुरुजी साथ में हैं और हमेशा रहेंगे। गुरुजी गुरुजी तो भगवान है, इस दुनिया में आए और हम सबको मूर्खों को ब्लेस करके अपने चरण में लिया, इस लायक समझा कि अपने पास बैठने दिया, उन्होंने अपने को टच करने दिया, अपने को सॉरी आई एम लिटिल इमोशनल। तो देन गुरुजी ने एक चीज और बोली, तब तक वहां पे गुड़गांव के ही सत्संग होते थे, तो गुरुजी ने सत्संग शुरू करवाया 2003 से, कम संगत होती थी, बहुत सारी गुड़गांव की संगत को तो पता ही नहीं सत्संग कब शुरू हुए। फिर गुरुजी ने और कहीं सत्संग रेगुलर नहीं होने दिए, ये उनकी लीला है, इसका मुझे आज तक नहीं समझ आई कि क्यों ऐसा हुआ कि गुड़गांव में ही सत्संग और गुड़गांव की संगत ही वहां जा सकती थी। एक आध बार दिल्ली की संगत आ गई
और मुझे नहीं मालूम था वो दिल्ली के हैं। दोबारा मैंने पूछा, इस बार नहीं आए आप? तो वो बोलते हैं, हमें तो गुरुजी ने पकड़ के वो डांट लगाई कि वहाँ तुम लोग नहीं जा सकते हो। ऐसे ही गुरुजी के साथ एक बार मैं, गुरुजी की लीला होती थी, गुरुजी क्रिएट करते थे, गुरुजी ही माहौल बनाते थे। तो बिठाया, सत्संग के बारे में बात कर रहे थे, संगत आ रही थी, हाथ जोड़े थे, जा रहे थे। तो एक संगत को कहते हैं, आंटी थे ना सत्संग होते हैं, आंटी देखा? तो उन्होंने बोला, हमको भी एड्रेस दे दो, हम भी आएंगे सत्संग में। ना तू कितों आई? तो उन्होंने बोला, जीके तो एक बार ऐसे हुआ, जीके तो एक बार किसी ने बोला नोएडा, तो एक बार फरीदाबाद से कोई आई संगत। सो ये अलग अलग दिन की बात है। तो गुरु जी कहते हैं, नो सत्संग, जीके, गटर कैलाश, नो आइडिया, नोएडा और फरीदाबाद को बोला फरीदाबाद, तो सत्संग ओनली इन गुड़गांव एंड गुड़गांव संगत, इंग्लिश में बोले गुरुजी, फॉर गुड़गांव संगत। सो वो गुरुजी का लीला थी और गुरुजी ने वहाँ सत्संग करवाते थे। फिर उस दिन गुरुजी ने बोला, जो मेरा उनके साथ लास्ट डे था, बोला कि हूँ आंटी हर जगह सत्संग होगी, कार कार भी सत्संग होंगे, हर सिटी विच होंगे, देशा विच, विदेशा विच, दूर दूर तक सत्संग होंगे, एक था एक टाइम विच पता नहीं किन्ने था ते सत्संग होंगे, गिन भी नहीं सकोगे। सो आज संगत जी हम काउंट नहीं कर सकते, हम इस लायक ही नहीं है। जो गुरु जी के वचन है वो सिद्ध हुए। जब गुरु जी ने मनुष्य रूप छोड़ा तो जब बड़ा मंदिर एम्पायर स्टेट बंद हो गया, बड़ा मंदिर वहां जाने लग गए सब लोग, तो वहां भी संगत जो है 50 एक संगत भी नहीं होती थी, और जो कि 250-300 एक टाइम में होती थी एम्पायर स्टेट में, कभी 400 भी हो जाती होगी, जो हम लोगों की समझ में आता था। फिर जब गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए तो वही संगत जो है 50 एक में आ गई, और फिर गुरुजी का मंदिर में मैं सुबह से शाम तक गुरुजी ने रखा वहां पर एक साल तक। तो गुरुजी का दरबार जब मैं करती थी आगे, फूल वगैरह जो भी गुरुजी करवाते थे लगाने, तो शाम होते होते मैं रो पड़ती थी कि गुरुजी आई वांट टू सी योर संगत, आई वांट टू सी लाइंस। गुरुजी आपने तो बोला लाइनें लगेंगी, ये तो संगति कम हो गई, यहाँ तो संगति नहीं है, ये तो कम होती जा रही है। क्वेश्चन करते हैं कि गुरुजी अर्ली 50s में चले गए तो हम कहाँ हैं, हम क्यों आए, तुम यहाँ क्यों हम लोगों को लेके आए? और मैं तो लाने वाली थी नहीं, बुलाने वाले तो गुरुजी थे, हमें गुरुओं के चक्कर में डाल दिया, ये है वो है। चलो मैं गुरुजी को यही अदाश करती रहती थी, माथा टेकती रोती कि गुरुजी लाइने लगाओ, गुरुजी लाइने लगाओ। फिर कौन था? कोई भी नहीं था, हम लोगों में से कोई भी नहीं था उनका प्रचार कर दे या मीडिया में कोई जा सके, या कोई गुरुजी ने किसी को आगे आने ही नहीं दिया। उन्होंने अपनी खुशबुएं खुद निकाली, खुद अपनी धाराएं निकाली, अपने कोई प्रेजेंस दिखाई लोगों को। वहां पे सत्संग जब भी होता और एकदम फ्रेग्रेंस आ जाती थी। कई बार बड़े मंदिर में शुरू में ऐसे हुआ, ऐसे शिव मूर्ति के आगे खड़े खड़े, आंटी आप बताओ गुरु जी का कोई सत्संग सुनाओ, सत्संग सुना रहे हैं, बहुत स्ट्रांग फ्रेग्रेंस आने लग जाती थी। तो सब लोग कहते थे गुरु जी की फ्रेग्रेंस है, हाँ गुरु जी की ही फ्रेग्रेंस है, तो गुरु जी यहीं होंगे। तो एक बार तब बहुत ज्यादा मोबाइल फोन्स में कैमरास नहीं होते थे, तो किसी ने कैमरा क्लिक किया तो गुरुजी साक्षात जो बाहर शिव मूर्ति है उसके उससे जब हम उस शिव मूर्ति से जब हम कुटिया की तरफ जाते, एक छोटा सा पैसेज है, तो वहाँ खड़े हैं, इतने क्लियर खड़े हैं गुरुजी कि बिल्कुल देख सकते हैं गुरुजी को। ये वो कोई वो नहीं थी कि किसी ने बना के डाल दी हो, या बिल्कुल एकदम क्लिक की हुई फोटोग्राफ में गुरुजी वॉज देयर, क्योंकि वहां सत्संग गुरुजी का हो रहा था। फिर एक बार झूले के पीछे एक वॉल थी, शीशा था, उसके अंदर गुरुजी आए, तब तो नियरली 150 संगत ने क्लिक किया और बिल्कुल क्लियर स्वरूप, ऐसे नहीं कि बहुत ब्लर्ड हो या लाइक ये दो आंखें हैं, ये नाक है, ये ऐसे है, वो पूरा का पूरा क्लियर स्वरूप गुरुजी का आया। सो गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी यहीं हैं, हम सब के बीच में हैं, और गुरुजी भगवान हैं, भगवान धरती पर आए और भगवान अपनी जर्नी खुद तय करते हैं। तो शुक्राना अंकल, जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज।
अगर कमांडर शर्मा अंकल ने ज्वाइन किया हुआ है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ कमांडर अंकल, वी आर नॉट एबल टू सी योर जूम नेम जूम आईडी। कमांडर शर्मा अंकल ने अगर ज्वाइन किया हुआ है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, वी आर नॉट एबल टू सी योर जूम नेम प्लीज। I'll be requesting Narendra Dhan uncle to please unmute yourself. Narendra Dhan uncle. हाँ जी अंकल, जय गुरुजी। जय गुरुजी अंकल। तो सिंगला अंकल ने भी मैंने सिंगला अंकल का सत्संग सुना, उषा आंटी का सत्संग, पाटी आंटी का, तो बिल्कुल सही बात है, गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी हमारे साथ ही बैठे हैं। लेकिन गुरुजी पहले भी यही चीज बोलते थे कि कबलो मैं गया कि मैं तो हर वक्त आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के पास ही वो आंखें नहीं है कि आप मुझे देख सको। रब ना किते आंदा ना किते जांदा, ही से ना मेरी जन्म हुंदी है ना मेरी मौत हुंदी है, मैं अपनी मर्जी से आता हूँ अपनी मर्जी से जाता हूँ। तो ये गुरु जी की पूरी प्री प्लान था, जैसे हम लोग सोचते हैं कि गुरु जी ने चोला छोड़ा तो क्यों छोड़ा, ये पूरा प्री प्लान गुरु जी ने करके रखा हुआ था। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेम्बर कि गुरु जी एक साल पहले से ही सारी संगत को बोल रहे थे ज्यादा से ज्यादा संगत लेके आओ, नई संगत लेके आओ, उसका कल्याण करवा लो, साढ़े को टाइम बहुत थोड़ा है। तो ये गुरुजी को मालूम था। अगर मैं बात करूं 99-2000 में जब गुरुजी के माताजी लाइव थे तो वो उस समय बोलते होते थे कि आप इनके लिए दुआ किया करो, इनकी एज के लिए जिनके कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहा करो, क्योंकि इनकी एज बहुत छोटी है। माताजी को बचपन से मालूम था कि ही से कि जितना ये वजन उठाते हैं ना अपने ऊपर, संगत का बोझ उठाते हैं, संगत का कल्याण करते हैं, तो ये आपने देखो उन्होंने एक ह्यूमन बॉडी ली हुई थी। तो गुरुजी भी खुद बोलते थे ह्यूमन बॉडी की एक सेक्शन है, मैं उस सेक्शन में बंधा हुआ हूँ, जिस दिन मैं चोला छोड़ूंगा, जिसने आना है उसने जाना तो है ही है, तो जिस दिन मैं चोला छोड़ूंगा उस दिन अपने गुरु की पावर का तुम्हें पता लगेगा, तब तुम लोग सोचोगे। तब हम लोगों को बोलते थे कि तब तुम लोग सोचोगे कि हम किसके साथ बैठे थे, तब बीते हुए वक्त को याद करके फिर आंखों में आंसू आए। तो ऐसे ही जैसे मेरे को गुरुजी ने आने के लिए बोला था 4 मई को, तो मैं नहीं आ सकता, तो 16 मई को गुरुजी ने मुझे फोन किया था कि ही सेज के नरेंद्र तू आया नहीं, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरी मीटिंग नहीं हो सकी तो इस दिल्ली में, इसलिए मैं नहीं आ सका। ही सेज अब तू बहुत बड़ा मैनेजर बन गया है नरेंद्र, तेरे पास गुरुओं के लिए टाइम नहीं है, कल को तेरे पास टाइम होगा मैं पता नहीं कहाँ बैठा हूँगा। मैं कहा हैं जी गुरुजी, कहते हाँ यार मेरा की पता है, मैं USA जाके बैठ जाऊं, मैं कनाडा जाके बैठ जाऊं, मैं बॉम्बे जाके बैठ जाऊं, मैं संगत नहीं करूंगा कभी, मैं दुकरी जाके बैठ जाऊं। तो कुछ टाइम के लिए चुप कर गए, फिर तो कहते कमलिया तेरे गुरु ने आए चले जाना जिम्मे हथा दे रेत जाती होंगी, कहते पता नहीं लगना सी कदों चले जाना। मैं कह हैं जी गुरु जी, ही से नरेंद्र मैं दूर जाके बैठ जाऊंगा संगत से, कुछ टाइम के लिए दूर जाके बैठ जाऊंगा, पता भी नहीं लगेगा कब आया कब चला गया। तो मतलब उन्होंने बात को उस समय ट्विस्ट कर दिया, ये उस समय की बात थी। और 16 तारीख से लेके मैं 26 को यहाँ पे आया, लेट हो गया, नहीं पहुंच सका। 27 को मैं बड़े मंदिर में पीछे लंगर, जोशी आंटी वगैरह अपने लंगर वगैरह बना रही थी, मैं उस समय लेटा हुआ था, सामने मंदिर में मार्बल का काम चल रहा था, तो पीछे दीवारों के ऊपर मार्बल लग रहा था, तो वो 4 लेबर वाले या 6 लेबर वाले एक बड़ी सारी मार्बल की सिल उठा के लेके जा रहे हो। मैं उनको देख के बोल रहा हूँ कि गुरुजी अगर आपको कुछ हो गया तो इस मंदिर में कुछ नहीं होगा, गुरुजी अगर आपको कुछ हो गया इस मंदिर में कुछ नहीं होगा। तो 2 बार मैं यही दिमाग में क्लिक कर रहा हूँ, देन मैंने अपने आप को थप्पड़ मारा मैंने कि मैं गुरुजी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, गुरुजी ने कहाँ जाना है। ये 27 मई 2007 की बात है, तो गुरुजी ने कहाँ जाना है, गुरुजी कहीं नहीं जाएंगे, गुरु तो हमारे साथ ही है। कहते हैं ना थॉट डालने वाले भी गुरुजी हैं, सब कुछ करने कराने वाले गुरुजी, वो क्यों करते हैं हमें नहीं मालूम। देन शाम को जैसे ही मैं एम्पायर स्टेट पहुंचा तो क्यू लगी हुई थी, मेरा 7वां 8वां या 10वां नंबर होगा, मैंने जाकर माथा टेका। मुझे लास्ट डेटों पे गुरुजी को मालूम था कि 20 के बाद नरेंद्र कभी नहीं आएगा क्योंकि उसके ऑफिस का काम होता है, तो मेरे फर्स्ट वीक की मेरी टिकट्स बुक होती थी, तो ही से तू कभी आया, तो मैंने गुरुजी बहुत मन उदास था आपका, माथा टेकने को आपके दर्शन करने को मन किया, बढ़िया कीता, मत्था टेक लिया तू भी। तो उस समय भी उन्होंने क्या बोला हमें नहीं पता लगा, चल ठीक है बैठ,
सत्संग शुरू हो गया। अब मेरी 5:30 या 6 बजे की फ्लाइट थी अहमदाबाद के लिए दिल्ली से, तो मैंने फर्स्ट राउंड में लंगर किया और मैं जाने लगा। तो धनी से की हो गया, बहुत जल्दी है, आप तो लंगर कर लिया, असी तो लंगर किया नहीं, गुरु ने लंगर किया नहीं, चेले ने कर लिया, चेले भज चले, तो बैठ चल, पहले मैं लंगर करूँ उसके बाद जाना। तो ये गुरु जी का प्यार था कि शायद वो लास्ट मोमेंट वाला प्यार, लास्ट डे वाला प्यार, प्यार तो आज की डेट में मिल रहा है कि शायद कहीं मिस ना हो जाए। तो गुरु जी 10:30 या 11 बजे अपने रूम से बाहर लंगर करके वापस आए, मैंने फिर खड़ा हुआ, गुरु जी आके बैठे, मैंने माथा टेका, गुरु जी ने क्यों जल्दी है कभी, मैं कहा नहीं गुरु जी बैठ फिर। तो चाय आ गई, कुछ संगत को भेजना शुरू किया, देन उसके बाद इमिडिएटली बिट्टा भी आया हुआ था, कांग्रेस, बीजेपी, गुरु जी के लिए तो सारे मिनिस्टर वहां पहुंचे होते। बिट्टे ने छोटी सी कुछ बात बोली तो गुरु जी ने फिर सत्संग करना शुरू किया। गुरु जी ने 30 से 35 मिनट सत्संग किया, इसे दिल्ली के लोगों को पता ही नहीं कि रब की चीज है, गुरु की चीज है, गुरु पीरां दी चाकरी महाकरणी महासुखसा, कहते इन्हों गुरुआ का पता ही नहीं है, गुरुआ की चाकरी की होंगी इन्हों पता ही नहीं है, कहते कहते अपने आप दे टेस्ट एंड ट्राई वाले ने, अगर काम हो गया तो गुरु बहुत बढ़िया, काम नहीं हुआ तो नया गुरु, कहते विश्वास नहीं है इन्हों का गुरुआ। तो तब उन्होंने सत्संग शुरू किया, तब उन्होंने श्रवण कुमार की कथा सुनाई कि श्रवण कुमार की जब दिल्ली में, कहते उस समय इसको हस्तनापुर बोलते थे, जब पहली बार श्रवण कुमार अपने माता पिता को बैंगी में लेके पूरा घूम रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने दिल्ली में पहला कदम रखा उन्होंने बैंगी उठा के साइड पर रख दी कि इतना नेगेटिविटी है दिल्ली की धरती में, इतनी नेगेटिविटी इसमें छाई हुई है, क्योंकि इतने ऋषि मुनियों का खून यहाँ पे बहा हुआ है, अब आपका कितने कितने महापुरुष ने शराब देके रखा हुआ है, सतयुग की बात है, सतयुग से लेके आज तक दिल्ली का वही हाल है। He says कि श्रवण कुमार ने जब रखी अपनी बैंगी उसकी, मैं इनका बोझ क्यों उठा के फिर रहा हूं। धन गुरु से उसकी मदर ने बोला कि तू बेटा कहाँ पे आया, कहते हस्तनापुर में आया, कहते कितने कदम अंदर लेते, कहते एक कदम, कहते पुत्र 2 कदम पीछे ले ला, जैसे ही 2 कदम उसने पीछे लिए ही रिमेम्बर इट, अरे यार ये मैंने अपने माता पिता को क्या बोल दिया, मैं तो इनके सिवाय मेरा और कौन, किसने सेवा करनी है। धन गुरु से इन्नी अपवित्र धरती है, किन्ने ऋषि मुनिया का खून बहा बहा थे, कहते ना मैं तो पहला ना मैं तो बाद चो, कोई भी महापुरुष इतने रह के नहीं सकता, कहने मैं ही हाँ जरा 10 साल इतने रह गया, कहने मेरे तो बाद कोई इन्ना टाइम रह नहीं सकता, जड़ा भी इतने आंदा है उन्हूं अपनी फैमिली दी कुर्बानियां देनिया पैंदियां। दिल्ली के लोगों को पता ही नहीं यार गुरु हुंदा की चीज है, कहते इन्हों कुछ नहीं पता है, कहते एक कंधा टक्करा मारनगे जो असी चले जावे, कहते बिट्टा सच की है जी गुरु जी, कहते हाँ बिट्टे जो असी चले गए उदो कहना टक्करा मारनगे दिल्ली के लोग, महाशिव आया सी और महाशिव चलिया गया, असी महाशिव को पहचान नहीं सके। गुरु जी कहीं नहीं गए, गुरु जी बिल्कुल सही बात है आज भी हमारे साथ बैठे हैं, पल पल का हमारा एक एक हम लोग क्या एक्टिविटी करते हैं क्या एक्टिविटी नहीं करते हैं वो एक एक चीज को मॉनिटर करते चलते हैं। अगर मैं बात करूं कि 2 साल पहले की, चार या 5 साल पहले की, तो हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो मेरी जॉब चली गई थी 2016 में, तो 2017 में हमारी एनिवर्सरी थी। तो एनिवर्सरी के टाइम पे ये होता कि जब आपके पास जेब में पैसा ना हो तो आपके लिए कोई एनिवर्सरी कोई कुछ कोई फंक्शन मायने नहीं रखता। तो मैं भी यही भाई से बात कर रहा हूँ यार संगत नहीं है कुछ नहीं है, वो मन ही नहीं करता। देन 8th ऑफ फेबर को गुरु जी वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं 4:30 बजे। तो वाइफ ने मुझे उठाया, जब मैं देख 4:30 का टाइम होगा, जब देखा पूरी ये स्वेट हो चुकी सी गर्मी से, जिनके पसीने से पूरी तरह बुरा हाल था इसका, पूरे कपड़े भीगे हुए थे, पूरी बॉडी जिनकी भीगी हुई थी, हार्ट बीट इतनी तेज चल रही थी कि मैं नहीं बता सकता, मुझे ये था कि मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ कहीं हार्ट की प्रॉब्लम ना होगी। मैंने वाइफ को बोला हॉस्पिटल चलते, कहे नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, गुरु जी आए थे सब ठीक है, ये 5 साल पहले की बात हो गई। तो इसको सेटल डाउन किया, पानी पुनी पिलाया, रब किया इसकी बैक को, तब शी सेज की एक चेयर लगी हुई है, उस चेयर के ऊपर कोई आंटी आके बैठते हैं, तो उस आंटी के बाद उस आंटी को उठाते हैं, आंटी जी गुरु जी के लिए चेयर लगाई है आपके लिए ना, सिंपल चेयर, नॉट ए कोई आसन या कुछ और, सिंपल चेयर की आंटी जी गुरु जी के लिए लगाई है। तो आंटी आपको ज्यादा पता है गुरु जी के बारे में, नहीं हमें नहीं मालूम, ये गुरु जी के लिए लगा के रखे आपको बता रहे, वो लड़ रही है मेरी वाइफ से, एक बच्चा आके बैठता है उसको उठाती है, तो तीसरे एक अंकल आके बैठते हैं उसको मेरी वाइफ समझाती है कि आप प्लीज उठ जाओ यहाँ से, ये गुरु जी का आसन है। वो तीनों वाइफ से लड़ रहे हैं कि आंटी तुम ज्यादा अपने समझते हो गुरु के नजदीक, तुम गुरु गुरु करते फिरते हो, तो पता गुरु की चीज है। तो ये लड़ ही रही है इमीडिएटली,
गुरु जी आते हैं चूड़ी चोला पहना हुआ और आके अपने आसन के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। कहते गुरु जी कहते आंटी डिंपल आंटी केड़ी कड़ी संगत नाल लड़ेंगी। कहते कमली कहते लोगों ने राम खिलौना जाना। कहते कमली ये लोगों ने तो मैं खिलौना समझ के रखा हुआ है संगत ने। मेरे हिसाब से कोई नहीं चलता, सब मुझे अपने हिसाब से चलाते हैं। मुझे क्या पसंद है किसी को लेना देना नहीं है। उनको क्या पसंद है वो मेरे ऊपर थोप देते हैं। कहते आंटी किनू किनू लड़े किसे किसी लड़ेंगी छड़ कहते ये तो ऐ चली जाना। कहते लोगों ने राम खिलौना जाना। कहते खिलौना समझ के रखा हुआ आंटी एवं नहीं लड़ी जाता किसी। तो गुरु जी बैठे एक आंटी आते हैं एज आंटी हैं 70-75 ईयर्स ओल्ड। तब तक हम उनको मिले नहीं थे, उसके बाद मिले थे हम उनको। तो आंटी एक कॉफी मग लेके आते हैं उसमें हार्ट की शेप बनी हुई है, उसमें एक ब्रेड पीस है, एक मट्ठी है, 10 रुपीज है, 2 क्वाइन है। गुरु जी को ला के देते हैं, गुरु जी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। गुरु जी ने वो देखा और डिम्पल को पकड़ा दिया। ले डिम्पल आंटी संभाल के रख तेरे लिए। तो गुरु जी ने इतना बोला गुरु जी उठे और चले गए कहीं पे। तो एक अंकल मेरी वाइफ के साथ ही बैठे थे, तो कहते अंकल आंटी आप इसमें से एक क्वाइन या कुछ भी मुझे दे दो। देन वाइफ ने बोला कि ये गुरु जी ने मुझे पकड़ने के लिए बोला है, देने के लिए नहीं बोला। क्योंकि आज एक गुरु जी के नाम पे गुरु जी की उसके नाम पे जी आंटी आपको गुरु जी ने बोला, अंकल आपको गुरु जी ने ये मेरे ड्रीम में बोला ये करने के लिए, ये कर दो वो कर दो, रॉन्ग। गुरु जी ने अगर आपको बताना है, गुरु जी डायरेक्ट कनेक्शन क्यों बार बार बोलते थे, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। अगर मुझे आपको कोई चीज बतानी है मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, इनडायरेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं है। तो वाइफ को वो दिया तो उसने मना कर दिया, बोला आंटी थोड़े मैं आ गया आप सब कुछ, अंकल आप जो मर्जी बोलो लेकिन ये गुरु जी का सामान है, मैं इसमें आपको शेयर नहीं कर सकती। देन इमिडिएटली गुरु जी आसन के ऊपर आकर द्वारा उस शेयर के ऊपर विराजमान होते हैं और गुरु जी से आंटी ये संभाल के रखी तेरा प्रसाद है, ये तेरे लिए है कप देव जो समान है, किसी ना देंगे आंटी शेयर भी नहीं करना किसी ना। तो गुरु जी ने अपना एक इंडिकेशन दे दी। देन गुरु जी उठे, मैं भी बैठा था उसी संगत में, तो गुरु जी ने आके मुझे अपनी धोती के बीच में लपेट लिया। तो वाइफ का ड्रीम था, वाइफ कहती इतनी गुरु जी की बॉडी से फ्रेगनेंस आ रही थी मैं आपको नहीं बता सकती, मतलब झोंके उनकी बॉडी से निकल रहे थे। तो करते करते गुरु जी ने अपनी धोती खोली और वो उठा के फेंक दी और गुरु जी के पर्सनल ऑर्गन के ऊपर लिंग के ऊपर उन्होंने एक शिवलिंग के दर्शन कराए, छोटा सा शिवलिंग ग्रे कलर का, ग्रे और ब्लैक कलर का शिवलिंग जो गुरु जी के पर्सनल ऑर्गन के ऊपर था। और वाइफ को ड्रीम करवा रहे, मुझे भी ड्रीम, मैं भी देख रहा हूँ दर्शन कर रहा हूँ और वाइफ को ड्रीम का दर्शन दे रहे हैं। तो वाइफ बेहोश होके नीचे गिर गई, तो वो रोई जा रही है और दर्शन किए जा रही है, रोई जा रही है और नीचे दर्शन करी जा रही है। गुरु जी नरेंद्र देख ला हजारां साल दी तपस्या करने के बावजूद भी इस शिवलिंग दे इस ज्योति शिवलिंग के दर्शन नहीं होते। उन्होंने उस ज्योति शिवलिंग का नाम बताया, वो मेरी वाइफ को याद नहीं है। कहने आंटी हजारां साल दी तपस्या करनी पैंदी है ता भी मेरे इस ज्योति लिंग दे दर्शन नहीं हो सकते। आंटी अज तेरे कर्म पूरे हो गए, वो दर्शन करन दे, आ तू दर्शन कर ला। तो जे रोई जा रही है रोई जा रही है, कहने देख ला नरेंद्र कह समझा डिंपल दर्शन कर ला, मुड़ के पता नहीं मौका कदों में। तो मैं कहा गुरु जी आपके इस स्वरूप के दर्शन करने कौन से आसान पड़े हैं, बहुत मुश्किल है ये जो आप दर्शन करवा रहे हो। देन गुरु जी मेरी वाइफ के पास आए लेटे हुए, जहां पे लेटी हुई थी नीचे जमीन पे, उन्होंने उसकी नेक के ऊपर अपनी फिंगर लगाई और उसकी सोल निकाल के उसको सचखंड में ले गए। तो गुरु जी ने अपने चोला छोड़ने के बाद 3 से 4 बार मेरी वाइफ को पूरा सचखंड दिखा के लेके आए, कहाँ पे रहता हूँ आंटी, यहाँ पे तो मैं कल युग में आता हूँ लेकिन मैं रहता सचखंड में हूँ जहां मेरा निवास है। तो वहां पे लेके गए उसको, सबको दिखाया वहां पे, फिर वही बोल रहे हैं आंटी दर्शन कर ला, इस लिंग दे दर्शन कर ला, मुड़के नहीं होने हैं गे, और जहां पे जब जो आता है मैं उसको एक बेटा जरूर ब्लेस करता हूँ। तो आंटी का मुंडा होर ले ला। तो गुरु जी वाइफ कहते गुरु जी मुझे नहीं चाहिए, अक्षय है उसकी एज को ध्यान रखो आप, बस हम सबके ऊपर मेहर बना के रखो, जा हसन जा आंटी जा कल्याण हो गया, आज देख कितने जन्मा दी तेरी तपस्या होनी है जो मैंने तुम्हें दर्शन दे दिए। तो ये गुरु जी का प्यार है, ये गुरु जी की लीला, इससे बेस्ट इससे बढ़िया आपको मैरिज एनिवर्सरी का गिफ्ट नहीं मिल सकता। तो मेरी तो सारी संगत से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। बहुत आजकल चले हुए हैं कि आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो, गुरुजी ने आपके लिए ये मैसेज दिया। तो अगर आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, गुरु पे विश्वास है, तो सिर्फ उतना ही रखो। गुरुजी ने जो चीज आपको देनी है और जो डायरेक्ट कनेक्शन आपको दिखाने हैं, जो दर्शन देने हैं, जो चीज आपको देनी है गुरुजी खुद दे देंगे, विश्वास। हाँ आपको ड्रीम में आके गुरुजी बोल रहे हैं कि ये मैंने किसी के लिए बोला है, ये सामान मैंने तेरा किसी को बोला है कि ये तुम्हें दे दे, तब विश्वास करो।
लेकिन गलत बहकावे में ना आओ, क्योंकि जितनी संगत बढ़ती जाएगी उतने कुछ ना कुछ आगे बातें होती चली जाएंगी। वो गुरु जी ने एक ही से समझाई है, डायरेक्ट कनेक्शन। तो सिर्फ उसी के ऊपर विश्वास रखो। मेरे सारी संगत से हाथ जोड़ के यही निवेदन है, प्लीज गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की बात करो। गुरु जी कहीं नहीं गए, गुरु जी हमारे साथ ही बैठे हैं। उन्होंने एक शरीर लिया था, ह्यूमन बॉडी ली थी जो उन्होंने छोड़ी है, लेकिन वो तो एक ऑरा है, एक लाइट है, ओम है, एक ओंकार है, एक ज्योत है, ना वो कभी आती है ना कभी जाती। थैंक यू अंकल जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा सबीना कौर आंटी जी की ऑडियो प्लीज प्ले कर सकते हैं हम लोग। जय गुरु जी, सबीना कौर आंटी जी की ऑडियो। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी, गुरु जी की प्यारी संगत, प्लीज़ कोई सत्संग करते वक्त भुला चुका हो जाए माफ़ कर देना। मेरे को सुचा सत्संग कराना गुरु जी, शक्ति दियो जो तुसी ठीक समझते हो कराओ। सो संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने हमारे परिवार को 2004 में अपने दरबार में बुलाया एम्पायर स्टेट में। सो हमारी तब से हमारा गुरु जी का प्यार, अब तो लगता है कि जन्म जन्म हमारे साथ में थे और साथ रहेंगे, और हमारा अंत भी हमेशा गुरु जी के चरणों में हो। शुक्राना गुरु जी महाराज अपना प्यार देने का, हमारे परिवार को अपने चरणों में बुलाने का। सो गुरु जी, हम लोगों को जब जाते थे तो कहते सी तू अपनी आंधी रिहा कर परिवार नू लेके आ। देन ही यूज टू टेल मी के अपनी डिफेंस कॉलोनी थी संगत लेके आ। सो यू नो वॉट डियर संगत जी, परिवार में तो सबसे पहले ये मेरा बेटा बहू गुरु जी के चरणों में आए और गुरु जी ने बहुत बहुत प्यार दिया। देन यू नो आई यूज टू मीट एनी बडी फ्रॉम डिफेंस कॉलोनी संगत, कब किसी को भी मिलते थे फ्रेंड्स को तो आई यूज टू चौक, चलो हमारे गुरु जी हैं, चलिए। पर बात फिर वही आती है कि गुरु जी टाइम से ही अपने आप बुलावा देते हैं। सो संगत जी, ऐसे हमारी जर्नी शुरू हुई, प्यार बहुत प्यार बढ़ता गया। सो 2007 में जब गुरु जी ने चोला छोड़ दिया, सो मेरे को फ़ोन आती है मेरे भाई की, कैसे गुरु जी ने चोला छोड़ दिया है। सो ऑब्वियसली यू नो हमारे तो अब भगवान एवरीथिंग गुरु जी। सो नेचुरली यू नो संगत जी, यू कैन अंडरस्टैंड दैट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट मोमेंट्स। यू नो आई स्टार्टेड हॉलिंग एंड आई कॉल्ड अप स्ट्रेट अवे टू माय सन और बोला बेटा गुरु जी ने चोला छोड़ दिया है। सो वेर आर यू सीवन ही स्टार्टेड हॉलिंग एंड ही सेड आई एम कमिंग होम। आई जस्ट केम हियर क्लोजर टू द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के पास, कोई काम के लिए मैं गया हूँ तो मैं वापस आ रहा हूँ। सो व्हेन ही केम बैक, तो तब तक हमें पता लग गया था कि गुरु जी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में वहाँ पे अपना व्हाटएवर दिस। सो संगत जी, देन यू नो बोथ ऑफ अस वी गॉट रेडी, वहाँ पे गए तो हमें देखा तो संगत थोड़ी खड़ी हुई थी, थोड़े सेवादार भी थे मंदिर के, एंड दे सेड के हम सारा ग्रुप छोटा सा इकट्ठे हो गए एंड वी वॉन्टेड टू गो इनसाइड एंड मीट गुरु जी। पर उन्होंने सब ने यही बोला, नहीं गुरु जी को बाहर लेके आ रहे हैं, अंदर हम कहीं नहीं जा सकते, तो गुरु जी के भाने में रहना है।
सारी संगत हमारा बड़ा परेशान, हम लोग बड़े बहुत ही उदास थे। सो गुरु जी के बहाने में कहने ना रवो, बट दैट मोमेंट नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सब जने एवरीबडी वी वर रियली वेरी अपसेट। संगत जी थोड़े जैसे हम वेट कर रहे थे गुरु जी के बाहर लेके आने की, थोड़ी देर में थोड़ी जी ठंडी हवा के झोंके आने शुरू हो गए। इमेजिन 31 मई, और उसके बाद गुलाबों की खुशबू से भर गया। सो फिर वही बात याद आती है कि जब गुलाबों की खुशबू आती है, प्यारे ठंडे झोंके आते थे, गुरु जी हमें याद दिला रहे थे, मैं किधे नहीं गया, मैं इत्थे तुहाडे नाल हाँ। पर इट्स रियली ऑफ इजी टू से, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एनी वे। सो गुरु जी सानू माफ़ करना, पता नहीं की गलतियाँ कीतियाँ ने। सब संगत बड़ी उदास, हम लोग खड़े थे वेट कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद गुरु जी को जदों लैके आते हैं और एम्बुलेंस में उनको लिटाया गया, तो सारी संगत हमने माथा टेका गुरु जी को, चरणों को हाथ लगाया, और सिर्फ यही अंदर से आवाज़ निकल रही थी, गुरु जी हमने क्या पाप किए हैं, हमें माफ़ कर दो, आप क्यों छोड़ के चले गए हो, आप हमसे नाराज़ हो गुरु जी, सानू माफ़ कर दियो गुरु जी, माफ़ कर दियो। सब संगत बड़ी उदास और छोड़ नहीं रहे थे गुरु जी को। सब गुरु जी चलो गुरु जी के पाने में रहना है। इट वॉज ए वेरी डिफिकल्ट मोमेंट, वेरी टफ टू बियर इट। सो उसके बाद गुरु जी को जिस राम लेके गए, हम सब अपने अपने सब जने सब गुरु जी के मंदिर पहुंचने शुरू हो गए। संगत जी जहाँ जहाँ पूरे वर्ल्ड में जब पता लगा गुरु जी ने इस तरह चोला छोड़ दिया, सारे संसार में जैसे अंधेरा आ गया था। कहाँ से अमेरिका, इंग्लैंड, डबलिन, ऑस्ट्रेलिया, पंजाब, बेंगलोर, बॉम्बे, नेम एनी सिटी एनी वेयर फ्रॉम द वर्ल्ड, लोगों को इतना शौक लगा। पर स्लोली स्लोली सब संगत मंदिर पहुंची, कोई फ्लाइट चेंज करके, कोई कैसे। सो बड़ा अंधेरा छाया हुआ था हमारी ज़िंदगी में, हमें हुआ कि हमने सब बड़े पाप किए, गुरु जी नाराज़ होके चले गए हमसे, इतनी जल्दी चले गए। खैर संगत जी देन 2 दिन तो पूरा हम लोग नेचुरली सारे जने गुरु जी के पास अंदर हॉल में जब लटाया गया, दर्शन कर रहे हैं, शब्द लगे हुए हैं, वहाँ पे भी बड़े बड़े गुलाब की पूरी खुशबू से भरा हुआ था। अगेन द सेम रिमाइंडर, मैं किधे नहीं गया, मैं सब तुहाडे नाल आ। बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट मोमेंट। सो फिर जैसे हमारे रिचुअल्स होते हैं, सो गुरु जी को जब लास्ट राइट जैसे हम कहते हैं लेके गए, लिटाया गया चंदन की लकड़ियों में, इट वॉज सो गुरु जी माफ करो, गुरु जी संगत जी माफ कर देना। सो उनको जैसे रिचुअल्स होते हैं कि उनको वॉट एवर आई डू वॉट टू से राधा आई कांट इवन। संगत जी से उसके बाद थोड़ी देर बाद देखा तो ऊपर जब धुआं जा रहा है, वहाँ पे भी रिमाइंड करा रहे हैं गुरु जी धुओं में एक ओंकार और ओम से भरा हुआ था, ओम से एक ओंकार। बड़ी संगत ने उसकी मोबाइल से पिक्चर्स ली, वीडियोस ली,
सो आई वॉज सिटिंग देयर, यू नो, मंदिर के जहाँ पे ऊपर जाते हैं सीढ़ियाँ हैं, सिटिंग देयर एंड यू नो स्लोली स्लोली, चलो अब ये होता है कि मानना पड़ता है कि गुरु जी चोला छोड़ के गए हैं पर गए नहीं हैं। हम बस बड़े बड़े उदास रहे, काफ़ी देर अपने अपने घरों में संगत उदास रही है। उसके बाद फिर शुरू किया छोटा छोटा, दिल को अपना मजबूत बना के, नहीं गुरु जी का इतना प्यार दिया है, हाउ कैन वी लीव गुरु जी। वी स्टार्टेड गोइंग टू समटाइम एम्पायर स्टेट, कभी बड़े मंदिर, तो बड़े मंदिर में छोटे छोटे हमारे ग्रुप शुरू हो गए। हम लोग कोई चाय प्रसाद घर से बना के ला रहा है, कोई पराठे, कोई समोसे, कोई मीठा, इकट्ठे बैठ के मंदिर की जहाँ ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं फेसिंग द लेफ्ट साइड, छोटा सा वो जो बैठने का बना है, जहाँ समटाइम वी गेट कॉफ़ी, गुरु जी का प्रसाद मिलता है, वहाँ पे बैठ के छोटे छोटे सत्संग करते सी हम लोग कि क्या क्या गुरु जी ने हमें दिया, क्या क्या किया। उससे हमें हिम्मत आनी शुरू हो गई। फिर करते 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 संगत बढ़ने लगी। एंड ऐसे मंडे को तो हमारा फिक्स ही होता था। सो करते करते फिर बड़ी गुरु जी थी, बहुत शुक्राना गुरु जी ने वॉट एवर समझते थे हमारे लिए, हमें अपने चरणों में बुलाते रहे। एंड सोमवार को हमारा ग्रुप था, बैठते थे और फिर जो जो जैसे जैसे किसी को सेवा गुरु जी ने देनी सबको शुरू कर दी थी। तो मंदिर में अब शुरू हो गई थी, काफ़ी चहल पहल शुरू हो गई और सबको विश्वास आने लगा कि गुरु जी कहीं नहीं गए हैं, गुरु जी बैठे हैं गद्दी पे। एंड संकट जी, यू नो वॉट हैपन के लॉट ऑफ पीपल दे यूज टू गेट ड्रीम्स कि गुरु जी आए ने सपनों में और कहते ने मैं किदे नहीं गया, मैं किदे नहीं गया। हमें भी बड़े सपनों में गुरु जी ने दिखाया है, बट नॉट आई मीन दिस के मैं किधर नहीं गया, जस्ट गुरु जी ने दर्शन जरूर दिए अपने आके। और फिर भी देखा कि नई संगत अब शुरू हो रही है, तो नई संगत को तो गुरु जी ने ऐसे ब्लेस किया कि मैं तुहानू विश्वास हो जाए, इसलिए उनकी सारी बीमारियां सब ठीक की, उनकी मनोकामना पूरी की, चाहे मटीरियलिस्ट वॉट एवर दिस। तब तो हम लोग सारे इतने नादान थे, सिर्फ जब मांगने गए हम जो बड़े भिखारी थे, गुरु जी माफ करना, हम तो मांगते रहते थे जब गुरु जी चोला छोड़ने से पहले। अब हमको समझ आई है कि नहीं, हमें सिर्फ सिर्फ गुरु जी का प्यार चाहिए। गुरु जी, हम लोगों ने आपको बहुत तंग किया है, बहुत तंग किया है, माफ़ी मांगते हैं गुरु जी, पर आज आपका बहुत शुक्राना, बड़ी संगत लगी है गुरु जी के चरणों में। अब देखिए कितना शुक्राना करे गुरु जी का एंड सुरेश अंकल का, कैसे कैसे वो सत्संग करा रहे हैं, कैसी सेवा में लगे हुए हैं, और कैसे ऑल द अंकल्स anyway, I mean, this all सेवा दार, I must say we are so thankful कि कितनी सेवा में लग के आज मंदिर की इतना प्यार से संभाला हुआ है। और इन बिटवीन जब बीच में बहुत कोविड का जब सिचुएशन वॉज नॉट गुड, हाउ हम लोग सब ने मंदिर नहीं छोड़ा, मंदिर बंद था, मंदिर के बाहर से ही माथा टेक के जाते थे और गुरुजी सबकी मनोकामना पूरी करते थे। सो संगत जी, उसके बाद में जब कैसे इनका मंदिर वालों ने मैनेज किया सो ब्यूटीफुली विद इवन विद ई पास, हम लोग सब जाते थे शांति से और दर्शन करके बाहर आ जाते थे। सेवादार, आई मीन लुक एट देम, क्या सेवा भाव है उन लोगों में। सो आज गुरुजी ब्रीफली हमसे अब यही चाहते हैं, मैं तो ज्ञान नहीं हाँ, ओनली गुरुजी एक्सपेक्ट फ्रॉम अस टुडे सच्चा प्यार। कोई हम मटेरियलिस्टिक चीज नहीं मांगे, अपना प्यार मांगे, अपने दिलों को साफ रखे, सब जिदी जिदी सी हेल्प कर सक रहे हैं करिए, अपने कर्मों को हमारा सुधार करना है,
कर्मों नु सुधारिए, सिर्फ एवरी डे शुकराना मेरे मालिक महाराज और साडे कर्म साडे बख्श दियो जो होए ने, सानू हिम्मत दियो हुण असी कोई कर्म खराब ना करिए, सानू सुच्चापन लाइफ इज दियो, हमें प्यार दियो। ऐ गुरु जी पूरे संसार दे कष्ट दूर करो, सारे नू रज रज के अपना प्यार दो, सुच्चा प्यार दियो। वी ऑल लव यू गुरु जी, वी नो दैट यू आर हेयर, यू आर विद एवरीबडी, विद एवरीबडी। Thank you, thank you, thank you, Guruji, and Shukrana, everybody, dear Sangat Ji, koi pulla chukka hoon, maaf kar dena, maaf kar dena, maaf kar dena. Jai, 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 Guruji. Jai, Guruji. Jai, Guruji Maharaj. Main Anil Kapoor uncle, Taya Ji se request karunga, please unmute yourself. Over to you, Taya Ji. जय गुरु जी। आई थिंक ताया जी शायद टेक्निकल इश्यूज के वजह से शायद लेफ्ट कर गए हैं। मैं राशिमी आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। राशिमी माली आंटी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जस्ट मिनट, मेरा 2 बजे था ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी नहीं है, मैं अभी कर रही हूँ, मैं अभी अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ अंकल। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जस्ट मिनट अंकल, मेरी आज तबीयत वैसे ही है, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ, फिर भी मैं सत्संग तो करूंगी। जय गुरु जी महाराज। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात पारब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा कोई न जाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने। आज का ये सत्संग मैं कैसे शुरू करूं कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन कहना तो कुछ पड़ेगा ही, तो जैसा गुरु जी चाहे मैं वैसा ही कहूंगी, जितना गुरु जी चाहे मैं उतना ही कहूंगी। यूं तो लगता है कि अपनी जिंदगी के पन्नों से ये पल, वो दिन मैं ये मिटा दूं, सच्चाई को बदल दूं, लेकिन फिर से झुका कर अपने को समझा कर इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। हम सब ये भली भांति जानते हैं, जब भी ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतार लिया, अपनी लीलाएं रची, चाहे उसे आप राम कहिए, चाहे उसे नानक कहिए, चाहे उसे आप कृष्ण कहिए, जब इस दुनिया में आए तो हम सब उन्हें अपने जैसा ही समझते थे, लेकिन धीरे धीरे हमें यह समझ आया, जिसे हम साधारण मनुष्य समझ रहे थे वो तो भगवान है। हमने राम कृष्ण नानक साईं को देखा तो नहीं, लेकिन हाँ, ना जाने कौन से पुण्य कर्म का हमारे थे कि हमारे साक्षात हमें भोलेनाथ ने गुरु जी के रूप में दर्शन दिए। उस दिन मैं 9:30-10 बजे अपने आश्रम के लिए निकल जाती थी, ओल्ड एज होम के लिए। तो मैं जा रही थी गाड़ी में, जाते जाते मुझे एकदम से फोन आया डॉक्टर बजाज अंकल का कि आंटी आप कहाँ हैं। मैंने कहा अंकल मैं तो ओल्ड एज होम जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा आंटी आप ओल्ड एज होम मत जाइए, आप सीधे बड़े मंदिर जाइए। मैंने कहा क्यों अंकल। तो उन्होंने कहा बस मैं कह रहा हूँ आप जाइए और गुरु जी के दर्शन कर लीजिए। और उन्होंने मुझे ये
दुख भरी खबर मुझे सुनाई। मैं तो एकदम सुन के हैरान हो गई। जिसने भी सुना वो ही हैरान हो गया कि गुरुजी हमें ऐसे छोड़ के चले गए। तो बस फिर मैं घर गई, घर जाके घर में सबको बता दिया और वापस मंदिर की ओर चली गई। मंदिर में जाके जाते जाते आंखों से आंसू थे कि थम नहीं रहे थे। यूं लग रहा था कि सारी दुनिया ही उजड़ गई हमारी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन किसी तरह अपने को संभाल के मैं जब बड़े मंदिर पहुंची तो सब चारों तरफ सबकी आंखें नम और गुरु जी बीच में चुपचाप से सोए हुए थे। जाके उनको प्रणाम किया और बस चुपचाप से वहां पे बैठ गए। ऐसा लग रहा था कहीं गए नहीं है गुरु जी, वो तो बस सोए हुए हैं। बार बार दिल कर रहा था, मन में आवाज लगा रही थी गुरु जी उठ जाओ ना गुरु जी उठ जाओ ना, लेकिन कहाँ गुरु जी उठने वाले थे। बस हम चुपचाप से वहां बैठे रहे। सारी क्रिया हुई सब करके फिर शाम को जब हम घर पहुंचे तो बस उस दिन से बस ऐसा लगा कि अब और कुछ नहीं है बाकी, बस यूं ही दुनिया ऐसी चलती रहेगी। अब क्या करना जी के क्या करना मर के, बस ऐसे ही लग रहा था बस कुछ नहीं है, एकदम ब्लैंक हो गए हम। तो दो तीन साल मैं बड़े मंदिर नहीं गई, किसी मंदिर नहीं गई। तो मेरा एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा, मम्मी क्या गुरु जी नहीं है तो आप क्या मंदिर नहीं जाओगे? चलो उठो जाना है मंदिर, जरूर जाना है। बस उस दिन से फिर हफ्ते में एक बार मैं बड़े मंदिर जाती थी, गुरु जी को प्रणाम करती थी, उनकी याद में डूब के बैठी रहती थी। तो एक दिन बड़े मंदिर गई तो कृष्णा बहन जी गुरु जी की जो छोटी बहन है उस दिन उनका सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा। गुरु जी के बचपन की बातें पता चली। आप सबने भी उनका सत्संग तो सुना ही होगा। वो भी बता रही थी गुरु जी ने उन्हें कभी महसूस नहीं होने दिया कि गुरु साक्षात रब हैं। गुरु जी की माता जी को पता था कि गुरु जी का असली रूप क्या है। एक बार सोमवार को उन्होंने उस समय वो अपने लिए ना गुरु जी के लिए एक बर्फी का डब्बा लेके आई थी, तो मेरे को प्रसाद दिया, कहने लगी ए लो प्रसाद। मैंने कहा ये क्या है? कहते ये ना ये एक पंजाब से आते समय रास्ते में एक अस्थमा लगा या पता नहीं कौन सी एक जगह का नाम लिया उन्होंने और कहा यह वहाँ की ये बर्फी है, ये मेरे वीर नु बड़ी पसंद थी तो इसलिए आप भी लो। तो प्रसाद खा के इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊं। 2006 में अंकल जब गए थे तो बिल्कुल मैं बिखर गई थी। उस वक्त गुरुजी ने मुझे संभाल लिया था, लेकिन 31 मई के बाद तो सचमुच ऐसा लगा कि अब जिंदगी में कुछ बाकी ही नहीं। हमारे सारे बिछोड़े इस दिल में सह लिए, लेकिन गुरुजी का बिछोड़ा नहीं सहा जाता। मैंने तो मंदिर जाना बंद कर दिया, जिंदगी में जो खालीपन उसे किसी तरह भरा नहीं जा सकता। क्यों लगता ये शरीर तो है लेकिन उसमें प्राण नहीं है। प्राण तो गुरु जी के साथ ही चले गए। दिल बार बार गुरु जी को पुकारता था, ये आंखें उनको उनके प्रेममय रूप को देखने के लिए तरसती थी, लेकिन धीरे धीरे हमें यह समझ आ गया कि गुरु जी जब तक अपने फिजिकल रूप में थे तो सीमित थे, लेकिन समाधि लेने के बाद उनकी ब्लेसिंग पूरी दुनिया में फैल गई। दुनिया के कोने कोने में गुरु जी की संगत गुरु जी का सत्संग होता है। चारों तरफ गुरु जी हैं, गुरु जी की खुशबू है और वो हमें मदहोश करती है। गुरु जी सबको हमेशा बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा कहते थे नई संगत लेके आओ, वो सबको ब्लेस करना चाहते थे। वो ज्यादा से ज्यादा संगत को ब्लेस करना चाहते थे। मुझे लगता है आज
हर संगत के दिल से यही आवाज आ रही होगी, तेरी बंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं जहां में, मिले रूह को सुकून आकर तेरी पनाह में। सचमुच हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु जी का सहारा मिला और मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा, ये तो कभी अंत ही नहीं हो सकता है। गुरु जी हमेशा कहते थे मेरे पास आ गए हो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं स्वामी फादा सब कुछ कल्याण करूंगा। तो गुरु जी सचमुच आप सबने देखा ही है कि किस तरह कल्याण कर रहे हैं। बस हम सब यही चाहते हैं कि गुरु जी अपनी ब्लेसिंग हमको दे, लेकिन उस ब्लेसिंग को पाने के लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा, हमें भी उस रास्ते पे चलना पड़ेगा जो गुरु जी ने हमें सिखाया है। मैं तो ये कहती हूँ कि गुरु जी साक्षात रब हैं और हम सब बहुत भाग्यशाली है कि हमें उन्होंने अपनी छाया में रखा हुआ है। आज भी देखिए ना आप लोग कितनी प्यारी संगत है, कितना प्यारा परिवार है गुरु जी का, जो हम सब उनके चरणों में बैठे रहते हैं। कोई सुख हो या कोई दुख हो, कभी मन नहीं घबराता है, बस विश्वास है कि गुरु जी हैं। अभी भी मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझसे क्या गलती हो गई। गुरुदेव मैं तो हर वक्त गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर देना मेरे दाता, मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और मुझे विश्वास है कि वो अपने आप सब ठीक करेंगे। आगे एक बात मुझे याद है कि जब गुरुजी के पास मैं जाती थी तो बहुत आंसू निकलते थे। तो मैंने एक दिन गुरुजी से पूछ लिया, गुरुजी आपको देखती हूँ तो ये आंसू थमते का नाम नहीं लेते हैं। तो गुरुजी ने एक वाक्य कहा था, मुझे अभी भी याद है, कहते ने कि गुरुजी कहते थी कि तेरी आत्मा जब सामने परमात्मा ने देख दिए ते उनके नाल मिलन ले तड़प दी है, ऐसे भी तेरे आंसू निकलते रहे। जय गुरु जी, मैं तो कहती हूँ ये आंसू हमेशा निकलते रहे, हमेशा निकलते रहे, आपको मिलने के लिए ये आत्मा तड़पती रहे। एक बार गुरु जी ने मुझसे कहा था कि आंटी तू मंगला तन की चाहिए। मैंने कहा था गुरुदेव मैं क्या मांगू, मुझे तो साक्षात आप मिल गए हैं, आपसे बढ़कर तो मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। और गुरुदेव ने कहा था नहीं मांगला। मैंने फिर यही कहा गुरुदेव मैं क्या मांगू, एक भिकारन क्या मांगे। तब गुरु जी ने कहा मांगला मांगला। तब मैंने सुना था कि गुरु जी तीन बार ही कहते हैं। मैंने हाथ जोड़कर सर झुकाकर उनके सामने यही मांगा था कि गुरु जी मैं जब भी आपको याद करूं आप मेरे सामने आ जाइएगा। तो बस थोड़ी देर गुरु जी ने कहा ठीक है प्रॉमिस। और उस दिन के बाद से उनकी वो मैं कहने दूसरी एक मैं जब पहुंची तो एक आंटी को कह रहे थे गुरु जी कि आंटी ना मल्ली आंटी मैंने 24 घंटे याद कर दिया, तो हम मैंने 24 घंटे नाल रहना पैदा है, इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी की मैं कह नहीं सकती। मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ कुछ समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी अपनी ब्लेसिंग अपने आशीर्वाद अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें और इसी तरह अपने भक्तों का कल्याण करते रहें। एक बार गुरु जी को मैंने कहा कि गुरु जी मन में सोचा था कि गुरु जी दिवाली में सब लोग आपके पास आते हैं लेकिन मैं नहीं आ सकती, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा। अंकल थे
वो कहते हैं दिवाली में कहीं नहीं जाना, घर में पूजा करो बस, वही बहुत है। तो मेरा मन बहुत तड़पता था, लेकिन क्या करूं, मजबूर थी, जाना भी नहीं होता था। एक दिन दिवाली के दूसरे दिन डॉक्टर बजाज, जो गुरुजी के पास दिवाली में जाते थे, वो आए तो कहने लगे, घंटी बजी तो मैंने देखा, अरे डॉक्टर बजाज आए। मैंने उनको प्रणाम किया, बोले आइए बैठिए। तो बात करते करते फिर उन्होंने अपने पॉकेट में हाथ डाला, हाथ से पॉकेट से एक थैली थी, उसमें चांदी का सिक्का था, वो उन्होंने मुझे दिया। कहते मिली आंटी, कल गुरु जी ने आपके लिए ये भेजा है, आपको याद किया है। मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैंने कहा, गुरुदेव तुम क्या हो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ तुम सारी दुनिया के लिए रब हो, सबके लिए रब हो, इसीलिए तो मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मुझे ये चांदी का सिक्का भेज दिया। मैंने आज भी वो चांदी का सिक्का संभाल के रखा है। और इस तरह गुरु जी की बहुत कृपा है कि हमें, हम सबको वो इस तरह अपने अपने पास बिठाते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं। आगे एक प्रसंग और आपको सुनाती हूँ। एक बार गुरु जी अपने सारे संगत के साथ बैठे हुए थे और एक बल्ब नहीं जल रहा था। गुरु जी अपने सीट पे नहीं, अब सामने जो किचन के सामने कैबिनेट थे वहां बैठे थे। तो वो जो शैंडलियर था उसका एक बल्ब नहीं जल रहा था। तो गुरु जी ने सिंगला अंकल को बुलाया और उनसे कहा, सिंगला तो बल्ब नहीं जल रहा? कहते हाँ गुरु जी, ये बल्ब नहीं जल रहा, मैं बदलवा दूंगा। कहते ठीक है। उसके बाद मैं भी चुपचाप से बैठी हुई थी, देख रही थी गुरु जी को। और गुरु जी ने वो बल्ब को देखना शुरू किया। थोड़ी देर देखा, वो एकदम से ना जला और बुझ गया। तो मैंने देखा, अरे ये तो जल के बुझ गया। तो अगले मोमेंट में फिर वो जला और जलता ही रहा। तो गुरु जी क्या नहीं कर सकते, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी सत्संग हैं, इतने मनमोहन सत्संग होते हैं कि मैं कहती हूँ कि मेरा तो सर झुका का झुका ही रहता है कि मेरे दाता तो कितना दयालु है, तो कितना कृपालु है, सबकी दया, सब पे मेहरबानी करना और हम सबको अपनी छाया में हमेशा हमेशा के लिए रखना। और मैं आज बस अपना सत्संग यही खत्म करती हूँ और आप सबसे भी इजाज़त चाहती हूँ। सुरेश वासन मंगल, आपने मुझे आज ये मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे सेवादारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, तन्मित अंकल का ऑडियो चलाएंगे प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरुजी संगत। संगत जी, मेरा नाम है तन्मीत अंकल एंड आई बिलोंग टू दिल्ली। एंड माय जर्नी स्टार्टेड विद गुरुजी इन 2003 व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम, बट मे बी आई वाज कनेक्टेड विद गुरुजी विद लॉन्ग टाइम, मे बी कहीं कहीं जन्म से मैं आई वाज कनेक्टेड टू गुरुजी, विच गुरुजी नोज अबाउट इट। एंड इंसान गुरुजी के पास या फिर मंदिर वगैरह तभी ज़्यादा शुरू करता है जब बंदा बहुत परेशान हो। सो आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ बैड फेज इन माय बिजनेस एंड माय पर्सनल लाइफ एंड मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी एंड मैं आई वाज सीकिंग सम हेल्प। एंड हेल्प के लिए फिर गुरुजी आपको पता ही है कोई ना कोई रास्ता निकालते ही हैं हेल्प करने के लिए। सो मेरे घर में मेरी डैड की कज़न है, मेरी बुआ लगती है, कुकी आंटी आई
एंड कुकी आंटी सेड कि क्या बात है बच्चे बड़े परेशान लग रहे हैं, मी एंड माय वाइफ कितिका आंटी, तो उन्होंने मेरी मॉम ने बताया कि ऐसे ऐसे परेशान चल रहे बच्चे। तो कुकी आंटी ने इमीडिएटली बोला कि वी हैव आई गो टू अ गुरुजी एंड लिविंग गुरु हैं एंड डेफिनेटली आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी, यू मस्ट कम एंड विजिट एंड आपकी परेशानी ज़रूर दूर हो जाएगी। सो इमीडिएटली आई सेड डेफिनेटली वुड लव टू कम एंड मीट गुरुजी एंड फर्स्ट इट वॉज फर्स्ट वीक ऑफ फेबरी 2003 मी एंड माई आंटी गीतिका आंटी वी वेंट टू गुरुजी एंड शाम का टाइम था और छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट गए हम। और जाते ही गुरुजी ने पूछा कि कुकी आंटी वॉज विद अस, गुरुजी ने पूछा ए कौन है, तो कुकी आंटी ने बताया कि मेरे मेरी बुआ के पोतरा है और इनकी वाइफ है। और इमीडिएटली गुरुजी ने हमारे को ब्लेस किया और मेरे से ज़्यादा गुरुजी ने मेरी वाइफ को ब्लेस किया और बोला मैं तेनू ब्लेस कित्ता है, दैट्स व्हाट गुरुजी सेड। एंड फर्स्ट टाइम हम गए थे वहाँ पर, सो अच्छा लगा हमारे को, बहुत अच्छा लगा, लंगर खाया हमने एंड लास्ट तक जब सब संगत चली जब संगत चली भी गई थी तब तक गुरुजी ने हमारे को रखा अपने साथ और वी वर द लास्ट फ्यू संगत जो हम गए लास्ट में। तो बहुत ब्लेस किया और बोला गुरुजी ने आंधे राया करो आंधे राया करो, सो वी फेल्ट गुड एंड ट्रस्ट मी गुरुजी ट्रस्ट मी संगत जी। सो वी वर स्ट्रगलिंग, मी एंड माई वाइफ आर स्ट्रगलिंग एंड इमीडिएटली मेरी वाइफ की ना ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में जॉब लग गई आफ्टर अबाउट 3 or 4 days एंड शी वॉज शी इज टू वर्क देयर बट नॉट एज अ परमानेंट, जस्ट लाइक जैसे कहते हैं ना हिंदी में दिहाड़ी टाइप, शी गॉट अ परमानेंट जॉब विद अ कॉन्ट्रैक्ट साइंड एंड थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग विद मी ऑल्सो इमीडिएटली एंड सुकून मिला। आई यूज़ टू गो एवरी थर्सडे इफ आई रिमेंबर, पूरे के पूरे थर्सडेज में गया हूँ 2003 में, शायद मैंने कोई मिस किया हो आई डोंट नो बट आई रिमेंबर कि मैंने पूरे के 52 थर्सडे में गया हूँ एंड कनेक्शन चलता रहा गुरुजी के पास, जर्नी चलती गई, थिंग्स स्टार्टेड बी फाइन विद मी, मतलब ठीक होने लग गया सारी चीज़ें और स्मूथ हो गई लाइफ, स्मूथ हो गई, सुकून मिला, कनेक्शन बना गुरुजी के साथ, बहुत अच्छा लगा। और जाते रहते थे हम एम्पायर स्टेट, बड़े मंदिर भी जाना शुरू किया जब कोई ओकेजन होता था, गुरुजी का बर्थडे होता था और विसाखी और न्यू ईयर, तो वी यूज़ टू गो बड़े मंदिर जब जब गुरुजी का आदेश होता था, जब सबको बुलाते थे संगत जी को। सो वी वर वेरी हैप्पी एंड चलता रहा एंड इन 2007 अप्रैल आई वेंट अलोन टू गुरुजीज मंदिर, छोटा मंदिर एम्पायर स्टेट एंड देखो ना कुछ 6-8 महीने से कोई बात मैं गुरुजी से करना चाह रहा था बट आई वॉज हेजिटेंट टू टॉक टू गुरुजी एंड कैसे करूँ। सो देवर बहुत संगत आई हुई थी उस दिन, बहुत ज़्यादा संगत, इट वॉज मोर देन 400 संगत प्लस एंड आई वॉज वेरी डिटर्मेंट कि मैंने बात करनी है गुरुजी से एंड अब मौका मिले तो मैं डेफिनेटली बात करूँगा। और आई वॉज लाइक माइंड में फिक्स किया हुआ था कि आज मैंने जो कुछ भी हो मैंने बात करनी है। एंड संगत जी जब मेरी बारी आई, जब मैं आज्ञा ले रहा था आफ्टर हैविंग लंगर, सो जो मेरे मन में बात चल रही थी इतने महीनों से, तो गुरुजी ने जैसे मेरे मत्था टेका तो गुरुजी ने वही बात का मेरे को आंसर दिया एंड बोला तू तेरे को ब्लेस कितना है तू ऐश कर। और ही सेड व्हाट आई वांटेड टू स्पीक टू गुरुजी, कन्वे मैसेज टू गुरुजी, पूरा उन्होंने बताया कि मेरे माइंड की रीडिंग क्या चल रही थी क्या था एंड मैंने जैसी ब्लेसिंग्स ली जैसे मैं बाहर आया आई वॉज सो हैप्पी एंड मेरे को तब लगा कि ये गुरुजी महापुरुष नहीं है, गुरुजी इज एक्चुअली गॉड।
एक्चुअली गॉड है गुरु जी एंड इट वॉज 2007 अप्रैल आई वॉज सो एक्साइटेड आई कॉल्ड अप कुकी आंटी वॉज इन आगरा कॉल्ड अप मॉम गीतिका आंटी एंड आई टोल्ड जस्ट टोल्ड देम कि गुरु जी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी महापुरुष ही इज़ गॉड एंड मैं आई वॉज एस्टोनिश्ड आई वॉज सो हैप्पी एंड यू नो इतनी बड़ी बात गुरु जी ने कह दी इतनी बड़ी बात कह दी एंड इतनी संगत आई हुई थी एंड गुरु जी ने मेरे से बात करके वही बात बोली एंड टाइम चलता रहा और तब तक गुरु जी ने मुझे बोला था कि दो हफ्ते में तू एक बार आया कर देन मैं बड़ा ब्लस कहता है दो हफ्ते में एक बार आया कर सो जब मैं जाता था पहले वंस ए वीक ज़रूर जाता था तो गुरु जी की आज्ञा थी सो आज्ञा तो हमें माननी है तो उस हिसाब से फिर हमने कम कर दिया जाना और आई वॉन्टेड टू गिव अदर संगत ऑल्सो टू टेक ब्लेसिंग्स सो तो मैंने थोड़ा कम कर दिया एंड संगत बहुत बढ़ गई थी तब तक एम्पायर स्टेट में एंड छोटा पढ़ने लग गया था संगत ज़्यादा हो गई थी सो फिर एक टाइम आया 2007 31st में एंड संगत जी यू ऑल नो कि आई वॉज ड्राइविंग फ्रॉम एम्स टू साउथ एक्सटेंशन की जो रोड है आई वॉज लाइक आई हैड अ ड्राइवर आई वॉज सिटिंग इन द को ड्राइवर सीट मेरे को मॉम का फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे गुरु जी ने महासमाधि ले ली है एंड तुमसे मैं हिल गया एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड संगत जी मेरे को तो समझ नहीं आया क्या हुआ क्या है इट्स लाइक अ वेरी वेरी बिग थिंग इन माई लाइफ एंड हाउ कम ऑल ऑफ अ सडन गुरु जी ने महासमाधि ले ली आई जस्ट डोंट रिमेम्बर मेरे को एकदम से ब्लैकआउट हो गया था उस टाइम एंड पता नहीं मुझे नहीं पता मैं कब घर पहुंचा और आई वॉज जस्ट स्टेइंग इन डिफेंस कॉलोनी तो पास में ही था घर तो साउथ एक्स से तो कब मम्मी मेरी गाड़ी में बैठे हमारी गाड़ी में बैठे और फिर हम कब एम्स पहुंचे तब तक मुझे पता नहीं चला आई डोंट रिमेम्बर दैट सॉरी मेरे को ऐसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा मुझे याद नहीं है इतना याद है उसके बाद मैं एम्स पहुंचा तो मम्मी वॉज विद माई मॉम वॉज विद मी और हम एम्स पहुंचे तो गुरु जी को स्ट्रेचर में लेके आ रहे थे सो हमने मत्था टेका गुरु जी के पैर छुए आई वॉज देयर एंड आई रिमेंबर बट 10-12 संगत वर देयर 10-12 मोर संगत वर देयर मे बी 14 ऑल्सो आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट संगत एंड बहुत दुख हुआ एंड जब लेके जा रहे थे इतनी फ्रेगरेंस आई गुरु जी की आई जस्ट कैन टेल यू रोजेस से भरी हुई फ्रेगरेंस थी मतलब यू वर जस्ट स्मेलिंग ऑफ रोजेज ओनली एंड फिर एम्बुलेंस में डाला गुरु जी को एंड वी वेंट मी एंड माई मॉम वेंट टू बड़े मंदिर गए हम और बड़े मंदिर में ही हम रहे वहीं पर ही मंदिर में ही रहते थे सुबह शाम एंड आई वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड एंड बहुत रोया बट गुरु जी की जो फ्रेगरेंस आई थी तो इंडिकेशन तो आई कि आई एम देयर विद यू ऑलवेज एक होप आई कि गुरु जी इज़ विद अस विल रिमेन विद अस ऑलवेज पर संगत जी हम एक इंसान हैं एक लिविंग गुरु चोले में जब गुरु जी थे तो वो हमने देखा हुआ सीन वेरी क्लोजली कोई भी बात होती थी फट से गुरु जी के पास पहुँच जाते थे और बोलते थे ये है वो है एंड गुरु जी सॉल्व इमीडिएटली जय अश्कर ही मस्ट हैव टोल्ड मी जय अश्कर सो मेनी टाइम्स आई डोंट रिमेंबर दैट एंड और संगत जी यकीन करना मैंने तो सोचना ही बंद कर दिया था वो फ्री कि जो भी चीज़ करनी गुरु जी ने करनी है कोई प्रॉब्लम होनी है कोई टेंशन लेनी नहीं है वो जाएंगे शाम को गुरु जी अपने आप सॉल्व कर देंगे
जो मतलब इट वॉज लाइक सोचना ही बंद कर दिया था हमने, सोच क्या सोचना है, क्या करना है, क्या प्लानिंग करनी है, जो प्लानिंग करनी है गुरुजी ने करनी, मेरा माइंड सुन होता था, मतलब इन्जॉय लाइफ, जा ऐश कर जो बोलते थे ना गुरुजी, वही होता था। सो आई वॉज वेरी लाइक वेरी फ्री, जैसे एक बर्ड होती है ना उड़ रही होती है, बस वैसा था मैं। तो मेरे को लगा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। एनी हाउ आफ्टर अबाउट अ डे और टू, आई डोंट रिमेंबर, आई वॉज इन लॉट ऑफ ट्रामा, आई जस्ट डोंट रिमेंबर। फिर गुरु जी ने बड़े मंदिर में महासमाधि की तैयारियाँ शुरू हुई, एंड बड़े मंदिर में गुरु जी वॉज जब चूल्हा छोड़ दिया था, तो ही वॉज आई डोंट नो हाउ टू से, बट लास्ट जब देखने गए हम, तो बहुत रोया मैं, बहुत रोया जब लास्ट जब देखने गए गुरु जी को मंदिर में, मेन हॉल में शिव जी के पास, वहाँ पर ही वॉज देयर, एंड लास्ट देखा हमने, फिर जहाँ उनकी माँ समाधि बनी हुई है वहाँ पर फिर लेकर आए, और चंदन की लकड़ियों का के साथ लास्ट राइड्स किए, एंड दैट वॉज वेरी 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 सैड मोमेंट फॉर मी एंड विद एवरीबडी आई बिलीव, जो संगत थी। और एनी हाउ जब लास्ट राइड्स कब जब चल रहा था, जब फ्लेम्स वर देयर, जब फ्लेम्स आई, जब तो मैं मंदिर की सीढ़ियों में था, बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था, इनफैक्ट नॉट बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था, आई वाज क्राइंग। एंड संगत जी, मैंने खुद अपनी आंखों से ना फ्लेम्स के ऊपर ओम देखा पूरा बनते हुए, ओम, और ओम ना ओम जैसे गरम गरम आग होती है ना, फ्लेम्स होती है, तो हेवे हो रहे थे थोड़ा, बट ओम इतना क्लियर था, इतना क्लियर ओम था, इतना क्लियर ओम था कि ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कोई फ़ोटो लूँ उसकी या कुछ लूँ, बिकॉज दैट मोमेंट वॉज द वेरी 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 लो मोमेंट ऑफ माई लाइफ। एंड मैंने कोई फ़ोटो नहीं ली, कुछ नहीं ली, बट आई सॉ कि ओम बना हुआ है। एंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल आई टोल्ड यू कि गुरु जी वॉज नॉट महापुरुष, ही वॉज एक्चुअली लॉर्ड शिव, लॉर्ड शिव। सो संगत जी, थोड़ा सा हमने भी पहचानने में थोड़ा सा, मैंने भी थोड़ा पहचानने में देर कर दी कि एक्चुअली आई वॉज मीटिंग गॉड, आई वॉज नॉट मीटिंग अ महापुरुष, आई वॉज मीटिंग गॉड। एंड उसके बाद आस्ता आस्ता लाइफ को स्टार्ट किया, जीना स्टार्ट किया, लाइफ को स्टार्ट किया, जीना स्टार्ट किया। मी कुकी आंटी और भी तीन चार संगत होती थी, विष्णु, हमने थोड़े सत्संग स्टार्ट किए घर पे, सत्संग स्टार्ट किए। एम्पायर स्टेट हमारा जाना बंद हो गया था उस टाइम, एंड बट हमारी कुछ संगत थी, हम मिलते थे, मिलते थे, और इट टुक टाइम टू मी टू बी नॉर्मल एंड स्टार्ट किया। फिर डुगरी भी फिर जाना स्टार्ट किया, डुगरी मैं, मेरी मॉम जाते थे, और फ्यू ऑफ माय आंटीज, आंटी संगत सब जाते थे, वहाँ पर स्टार्ट किया। सो आई जस्ट वांटेड टू से एवरीबॉडी कि एक्चुअली आई हैव सीन, आई हैव सीन गुरु व्हाट गुरुजी इज, एंड आई हैव सो मेनी सत्संग्स टू शेयर, बट इतना टाइम नहीं है कि मैं हर बात शेयर कर पाऊँ, बट आई वुड जस्ट से कि वी आर ऑल ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड कि हम गुरुजी की शरण में आए हैं, सो ब्लेस्ड, मैं आपको बोल भी नहीं सकता, वी आर सो ब्लेस्ड, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे को कोई प्रॉब्लम आई और मैं गुरुजी के पास आया। अगर मेरे को प्रॉब्लम नहीं आती, आई वुड हैव बीन विद गुरुजी। और संगत जी, बस इतने लास्ट मैसेज दूंगा कि सच्चे दिल से गुरुजी को याद करो, हर चीज़ गुरुजी करवाते हैं, हर चीज़ गुरुजी इम्पॉसिबल चीज़ को भी करवा देते हैं। मैंने, हमने इतने सत्संग सुने हैं,
बीते साल से जुड़े हुए हैं और मेरे साथ बीते हमारे साथ बीते मेरिकल्स हुए हैं, इतने सारे मेरिकल्स हुए हैं कि नेक्स्ट टाइम मेरे को कभी प्लेटफॉर्म मिलेगा शेयर करने का तो आई विल शेयर एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर. आई एम लिटिल गेटिंग इमोशनल एंड थैंक यू सो मच. अगर मेरे से कुछ गलती हो भूल चुक माफ़. जय गुरु जी, गुरु जी वी लव यू सो मच. जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी. I'm requesting Taiji to please unmute yourself. I will be requesting Taiji to please unmute yourself. Taiji. Jai Guruji. Jai Guruji Taiji. After a long time, Jai Guruji. Jai Guruji Maharaj. Guruji ne koi na koi सेवा दी होती है तभी वो घुमाई फिरते हैं. आपका मैसेज मेरे को आ रहा था बार बार कि किसी के थ्रू भी आया मैसेज प्रीति आंटी के थ्रू कि आप ढूंढो. मैं उस वक्त मार्केट में था, मैं पहले आपका ये खोला था नेट खोला था तो क्योंकि मेरा नंबर आपने एक 12:45 पर दिया था और गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं 12:45 से पहले हाजिर हूँ पर फिर वो 12:45 इट इज नॉट कंसिडर गुड गुरुजी के मुताबिक तो उन्होंने मेरे को इसलिए पहले करा दिया. सो शुक्राना गुरुजी आपका और सारे संगत वालों का नमस्कार और जितनी भी आज यहाँ पर बैठे हैं आज जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं गुरुजी ने हमको इकट्ठा किया ओनली टू गिव अस ब्लेसिंग. हम बहुत देर से हर प्लेटफॉर्म में मैं देख रहा हूँ सुन रहे हैं कि वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग बिफोर डेट गुरुजी का समाधि दिवस बट गुरुजी का ये समाधि दिवस नहीं है. इट इज अ ब्लेसिंग डे. इट शुड बी चेंज ओवर टू ब्लेसिंग डे बिकॉज गुरुजी इज ऑलरेडी अंग संग हमारे अंदर है और वो नहीं चाहते कि हम इसको ब्लेसिंग डे के नाम से करें अपना आई विल जस्ट रिमेम्बर बिकॉज गुरुजी जाते थे कि हम गुरुजी हमेशा हम सबको गुरु परिवार को अपनी ब्लेसिंग हमेशा देते रहे और आज के दिन हम उनको इसी नाम से कर रहे हैं. हम उनके जो भी गुणगान कर रहे हैं जो भी है वो जितना भी करें कम है जितना शुक्राना करें उतना ही कम है. और गुरु जी के साथ जुड़े कैसे जुड़े ये सब अपना अपना हर एक गुरु परिवार अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं अपने सत्संग के थ्रू. इस समाधि दिवस के दिन पहले वहां पर डुगरी पिंड में पाठ चल रहा है और उसका भोग कल पड़ेगा और उसका भोग पड़ने के बाद वो सब इकट्ठे होंगे सब कुछ गुरु जी का. इट इज अ गुड विल और वो ही ब्लेसिंग दिन है और जो गुरु जी हमारे को सब दे रहे हैं. गुरु जी कहीं भी नहीं गए, हमारे इर्द गिर्द है, हमारे अंग संग है. अगर हम सच्चे दिल से उनको प्यार करें श्रद्धा भाव से जो गुरु जी हमें उपदेश देकर गए अगर हम उसको फॉलो करते रहे तो
वी कांट सी हिज फेस, हम उसका उनका चेहरा नहीं देख सकते, बाकी सब कुछ उनका हम देख, हमारे को अपनी ब्लेसिंग देते हैं, हर काम हमारा कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। गुरु जी कहते थे कि मेरे जो असली संगत है मुट्ठी भर वाली संगत है, वो वही मुट्ठी भर संगत है जो आज गुरु जी के साथ जुड़ी हुई है, बाकी तो कहते थे एक किस्म का भीड़ भड़का है, वो बिल्कुल ठीक है। आज सत्संग इतने हो रहे हैं, बहुत सत्संग, जो गुरु जी जाते थे जो कहते थे हम उनको फॉलो नहीं करते, बार बार मैसेजेस आते हैं हर जगह कि आप लिमिटेड रखो पर हम ऐसे जैसे है कि हम मेले के अंदर जा रहे हैं, वहां पर है फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट है, हमें मिल रहा है सब कुछ है, हर एक का अपना अपना ब्लेसिंग। अगर हम घर में बैठे वहां भी गुरु जी ने देनी है, और अगर जितनी संगत लिमिटेड होगी जितना हम सब कुछ रखेंगे उस हिसाब से हमें बहुत है। हम जूम पे जो कर रहे हैं एक किस्म का लिमिटेड संगत के हिसाब से एक दूसरे का गुणगान गुरु जी हमारे उप, हम गुणगान गुरु जी का करते हैं उसी के थ्रू हमारे को सत्संग। हमें तो आज तक कहते हैं कि बिना गुरु के गति नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर गुरु है तो गुरूर नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होनी चाहिए। हमारा गुरु एक ऐसा है ना कहीं मिलेगा और ना ही मिलना है, तो इसलिए बेटर यही है कि वी शुड ऑलवेज फॉलो गुरु जी, जो भी उनके दिए हुए हमारे ऊपर उनके दिए हुए शब्द वाणी हमारे को दी हुई है, जहां उन्होंने जो हमारे को इंस्ट्रक्ट किया हुआ हम उनको फॉलो करते रहे, तो आज तक हम उतना ही ऐश करेंगे जो गुरु जी कहते हैं जा ऐश कर। इसका मतलब यही है कि अगर हम अपने आप को श्रद्धा भाव सरेंडर एक एक दूसरे की सहायता नो लेग पुलिंग नो क्रिटिसिज्म और नो ईगो इसको फॉलो करते रहे तो वी विल हेल्प। देखो हम उनके साथ साथ जुड़े, गुरु जी कहते थे कि जब मेरे पास आप मेरे दरबार में आते हो कोई भी दरबार में आते हो आपकी ब्लेसिंग उसी वक्त शुरू हो जाती है, और ब्लेसिंग जब मिलनी शुरू हो जाती है तो हमारी ईगो उसी वक्त हम अगर छोड़ दें, जो कि सबसे बड़ी है गुरु जी जिसके लिए यहाँ पर आए थे, बहुत किया पर उन्होंने फिर भी कई ऐसे हैं नहीं कर सकते, पर फिर भी हम चाहते हैं कि ईगो हमेशा के लिए अगर खत्म की जाए, गुरु जी से गुणगान करते रहे और उनके जो भी गुरु परिवार के साथ हम जितनी किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी के अगर नहीं कर सकते तो कोई ये नहीं है कि जबरदस्ती है, हम आपके आपस में प्रेम भाव बना कर रखें, एक दूसरे से श्रद्धा भाव में हर काम करते रहे तो हम देखें गुरु जी के बिल्कुल साथ जुड़े रहेंगे और गुरु जी हमें अपनी ब्लेसिंग ढेर ब्लेसिंग देते रहे, क्योंकि यही ब्लेसिंग है जो हर टाइम आने पर है। आज हम दिल में कुछ बात सोचते हैं वही हमारी बात पूरी होती है, क्यों होती है कि गुरु जी हमारे साथ है, हमारे हमारे अंदर श्रद्धा भाव है, पेशेंस है, और पेशेंस होने के बावजूद हम उनको जो भी है गुणगान करते हैं, कभी ये नहीं कहे हमारे तो ये थे गुरु जी के साथ, जब हम गुरु जी से नहीं जुड़े गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा, गुरु जी हमें ढूंढते हुए आए थे 76 में, और 76 में जब जोड़ते हुए हमने यही अभी अंकल अभी जो बात कर रहे थे कि हम तो बहुत हमें पछतावा कि हमें गुरु जी से हमको पता ही नहीं चला, बिल्कुल ठीक है, जो भी पुरानी संगत किसी को यही नहीं पता था कि हम भगवान के पास बैठे हैं, भगवान हमारे साथ है, पर हम भगवान को देख नहीं सके, हम तो अपने ऐसे मंत्रमुग हो जाते थे कि भगवान के तरफ देख ही नहीं सकते थे, क्योंकि गुरु जी की तरफ से जो आंखों से लाइट निकलती थी वो हम फेस ही नहीं कर सकते। हमने बहुत कुछ किया, हमने बहुत सेवा की, हमने बहुत चर्च किया, वो कहते हैं कि अगर जो पुरानी संगत तो मैं कहता नहीं हूँ कि नई पुरानी संगत, जिसका टाइम है गुरु जी अपने हिसाब से जोड़ते थे, जो संगत पहले जुड़ी थी उन्होंने अगर गुरु जी को टच किया हो और आज की संगत को अगर वो टच करती है तो गुरु जी की वाइब्रेशन हमारी बॉडी से निकल के उनको भी जाती है उनकी ब्लेसिंग, और गुरु जी हर एक किसी ना किसी रूप में
आपको जरिया बनाते हैं, और जरिया बनाने के हिसाब से और गुरुजी हर एक को जरिया नहीं बनाते, पर गुरुजी जिसको जरिया बनाते हैं और जो भी उनके मुंह से शब्द निकाले जाते हैं वो उसका पूरा करते हैं। ये रिसेंट कल की बात है, मेरे को आज से 9 मंथ पहले एक गुरुजी ने जरिया बनाकर किसी को बोला था, उनके घर में कोई इशू नहीं था, बड़ी देर से प्रॉब्लम चल रही थी, तो पता नहीं गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग दी। मैंने बोला जाओ गुरुजी ने तुम्हारे को बहुत अच्छा फल दिया, ऐश करो तुम, गुरुजी का कृपा होगी आप पे। और कल इसका उनका मैसेज आया आ जाता है। सबसे पहला मैसेज वो मेरे को कन्वे करते हैं कि ताया जी आपको जो आपने जो हमें बोला था वो गुरुजी ने पूरा कर। मैंने कहा काम तो गुरुजी करने वाले, नाम मेरा है दे रहा, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि गुरुजी ने मेरी लाज रखी, क्यों मैं तो जब भी किसी को गुरुजी के ब्लेसिंग से जरिया बनाकर देते हैं, मैं तो हमेशा उसी वक्त कहता गुरुजी अगर मेरे मुंह से कोई आपने शब्द निकाले जब ब्लेसिंग किसी को दिलाई है तो उसकी प्लीज लाज जरूर रखी और उसका कल्याण जरूर। ऐसे ही है गुरुजी, कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में या किसी ना किसी थ्रू आपको मैसेज भेजते हैं, आपने ये करना है वो करना है। मैं आजकल बहुत प्लेटफॉर्म में कम आ रहा हूँ क्योंकि टाइम ही इतना कम हो, शेड्यूल इतना बिजी कर हो गया गुरुजी ने कर दिया। वो कहते हैं कि पहले घर गृहस्थ आश्रम देखिए फिर उसके बाद दूसरा काम है, जितना टाइम मिलता है गुरुजी ने जितना भी लेना आपसे आपको ब्लेसिंग देने के लिए बिठाना है जो शब्द वो लेते ही लेते हैं जितना मर्जी, बाकी गुरुजी का हाथ हमेशा हमारे सिर पर है और हर दुख सुख में उनका हम वो गुणगान हम करते रहते हैं। और ये नहीं कि सुख में हम नहीं करते और दुख में करते हैं, नहीं, सुख दुख दोनों के टाइम हम करते हैं। गुरुजी जो कराते हैं जहां भेजना चाहते हैं उनके बिना कुछ नहीं है, जो कराना चाहते हैं। सबसे बड़ी यही बात है कि मैं तो मैं बताता हूँ गुरुजी का हमारे ऊपर शुरू से इतनी क्या कहते हैं हाथ रखा हुआ है गुरुजी ने कि उन्होंने बोल कभी भी कोई प्रॉब्लम आती वो बिफोर हैंड बताते हैं और जो भी कभी हो जाता है और वो कल्याण करते ही करते, क्योंकि गुरुजी के साथ हमारा नाता ही ऐसा था, हम शुरू से जुड़े थे और गुरुजी का अंग संग रहने के उनके के बावजूद वो हमेशा हमारे को कोई ना किसी रूप में अपना कल्याण करते रहते हैं, किसी ना किसी के थ्रू आप गुरुजी मैसेज पहुंचाते रहते हैं। आप मानोगे नहीं ले आपको जरिया बनाकर कभी करते हैं तो उसके बाद आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं ताकि आपको याद ही नहीं रहता है। गुरुजी की मेहर बनी रहे और जो आने वाला समय है जो गुरुजी ने पहले ही अपना बता दिया था कि मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ बिफोर हैंड, कईयों को पता था कईयों को नहीं पता, पर हमें सब कुछ उन्होंने पहले बताया है, हमने चीजें बताई थी क्योंकि गुरुजी के अंग संग होने के करके गुरुजी के साथ रहने के बहुत, गुरुजी के साथ मेरा बेटा रहा 5 साल, गुरुजी ने उसकी उसको अपने शरण में लिया हुआ था, उससे उसकी सेवा ला गुरुजी उससे सेवा लेते थे, उसको अपना गाड़ी चलाने के दिए दी थे, वो सारा कुछ होकर ये सब कुछ कर सकते। और मैं आज एक सबसे बड़ी यही बात कहूंगा दी जो सेवादार गुरुजी के हैं अगर वो औकात में रहकर सब काम करते तो उनके जैसा
सत्संग में कोई बैक, क्योंकि हम कहते हैं बैकबोन जो हमारी है उसके मुताबिक है, अगर औकात से बाहर हो जाता है सब लोग बैकबोन टूट जाती है। इसलिए मैं आज यही कहूंगा जो सुरेश वासन और उनकी टीम जो इतना दिन रात क्या क्या काम कर, जरूरी नहीं है कि आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो, पर आपको नजर आता रहता है क्या चल रहा है क्या नहीं। और जो ये टीम कोविड के दौरान से ही ये सेवा में लगी है, गुरुजी ने इनके ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखा हुआ है, तभी ये आगे से आगे नए नए जो भी है ब्लेसिंग के गुरुजी से लेने के लिए सब गुरु परिवार को दुला रहे हैं और किसी ना किसी रूप में आपको भी है। इन सबको इकट्ठा करना और एक किस्म का गुरुजी वाली के जो संगत को अपने जो दूसरी गुरु परिवार से मिलाना, उनको अपने कोई ना कोई सुनाना, ये सबसे बड़ा काम आज तक इतना कोई करना मुश्किल है। अदरवाइज ये भी नहीं है कि हम हमेशा किसी चीज के लिए कोई भी सुन सुनकर बोले, पर इनके अपना जो भी ढंग है कराने का सब अलग है। जितने भी आज गुरु जी के साथ जुड़े हुए, जितने भी आज जुड़े हैं और जो अगर फ्रंट बेंचर है या बैक बेंचर है, ये सब गुरु जी ने अपने हिसाब से रखा हुआ, किसको लाना आगे किसको पीछे करना किससे मैंने कराना है, पर जो असली संगत वो हमेशा कोई ना कोई गुणगान किसी ना किसी रूप में करते। मैं आज सुबह का एक किस्सा सुनाता हूँ। आपको मालूम है गुरु जी का प्यारा सॉन्ग था एक, जो गुरु जी का जब अखीर में गाया जाता था, जो हम हमेशा सुनते हैं, हर कोई कोई उसको गाता है, ये रात आज अकेली रात है कैसे। आज आपको मालूम है कि ये रंगोली दूरदर्शन में जो चल रही है कई सालों से, और वहां पर जब रंगोली खत्म होने लगे, वो खत्म होने से पहले जो उनकी एंकर थी उसने बोला कि मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है जो आज का है, उसने वही गाना गुरुजी वाला सुनाया, ये रात वाला जो जो लग जा गले ये फिर रात होना। मेरे को एक दिल में वही आया, देखो गुरुजी कहां से कहां आपको आगे ये सब कुछ अपना करिश्मा पेश करते हैं, जो अपनी ब्लेसिंग देते हैं, किस रूप में ब्लेसिंग दे रहे हैं। और मैं मोस्टली ये मैं रंगोली जरूर देखता आ रहा हूँ कई सालों से। मैं 8 बजे ये आती है, मैं ट्राई करता हूँ जरूर। आज भी मैंने देखो करते करते जरूर सुनी, और जब मैंने अखीर में ये गाना है, मैंने उसी वक्त गुरु जी को याद करते हुए कहा, गुरु जी आप क्या दिल की सोचे, वैसे तो गुरु जी हमारे अंग संग है और हर चीज सोचते हैं, इसलिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि जो आप कह रहे हैं दे रहे हैं, जो मैं तो श्रद्धांजलि नहीं कहूंगा, मैं कहा जो आपने ब्लेसिंग हमें आज दी है हमारे लिए, ये ना समझे कि ये लग जा गले, हम तो यही कहेंगे गुरु जी आप हमारे को अपने गले लगा कर हमें इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, हम सारे गुरु पढ़े वगैरह इतना कल्याण कर रहे हैं, इतनी मेहर कर रहे हैं और इतनी ऐश करा है कि कह नहीं सकते। इसलिए गुरु जी जो मैंने आपसे एक बार शब्द कहे थे गुरु जी, जब आप 33 में थे, 96 की बात है, 97 की बात है, जब मैं आप कमरे में होता, जब मैंने कहा था, मैंने यही आपसे बोला था, जब आप हमें लेकर जाते थे कभी पटियाले कभी गोविंदगढ़ कभी खंडे कभी डुगरी, तो मैंने कहा गुरु जी मेरे को एक शब्द अगर मेरे को हो सके तो मैं आपको एक बात बोलूं, मैंने वो बोल गए, मैंने यही बोला था गुरु जी की फौज करेगी मौज, और आज तक गुरु जी पूरी मौज करा रहे हैं, किसी ना किसी रूप में करा रहे हैं, किसी ना किसी रूप में जूम से करा रहे हैं या और दूसरे तरीके से, और ये नहीं। और जो गुरु परिवार के जो सेवादार हैं वासन निकल, जो आगे से आगे ये अपनी टीम जोड़ते जा रहे हैं, सबसे बड़ी मैं उनको कहूंगा प्रीति वर्मा को, जो इन्होंने जोड़ा, जो मैंने इनको बोला था मैं इनको जोड़ो, और वो प्रीति वर्मा जो किस्म की कभी बोलने वाली नहीं थी, आज वो फ्रंट लाइन में आ गई, उसको गुरु जी ने बैक बेंच से उठाकर आगे कर दिया। इसलिए ये प्लेटफॉर्म जो गुरु जी ने बनवाया है और जो इनका
सेवादार है हमारे सुरेश वासर जी को आगे किया, ये एक किस्म की सिखाने के लिए है और सारी संगत को सिखाने के लिए, सारी संगत को इकट्ठा करने के लिए कि दिन रात अपनी इसमें सेवा देने के लिए, और उनके ऊपर गुरुजी ब्लेसिंग नहीं देंगे ओके। और जो 31 मई को हमने सबने गुरुजी को याद करना है, उसको हम यही कहेंगे कि हमें जितनी गुरुजी उस दिन ब्लेसिंग दे, हम तो आपके लिए जो कर सकते हैं ब्लेसिंग, हमसे तो हम आपसे हमेशा मांगते ही आए हैं, कभी कुछ लिया ही नहीं हमने, कभी कुछ दिया ही नहीं, आपसे लिया ही लिया है। और आज भी यही कहेंगे 31 मई को आप हमें सब गुरु परिवार को इतनी ब्लेसिंग दो कि कोई भी ये ना कहे कि गुरुजी हमारे, गुरुजी हमेशा आप हमारे सबके अंग संग में आ जाओ और हमेशा सबका कल्याण करते रहो और मेहर करते रहो। इसलिए जय गुरुजी, और सारे परिवार जो गुरु परिवार है उसके ऊपर अपनी मेहर भरी चादर, रहमतों की बरसात आप हमेशा करते रहे और सबका कल्याण करते रहे। शुक्राना शुक्राना और शुक्राना गुरु। जय गुरुजी महाराज। ताया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब संगत को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 मिनट से ताया जी को मैं अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो हम सब को म्यूट शो हो रहे हैं। म्यूट शो होने के बावजूद भी ताया जी ने जो बोला हम सब ने सुना है, ये गुरु जी की प्रेजेंस है, गुरु जी का असीम आशीर्वाद है, उनकी असीम कृपा है। मेरे को 5-6 संगतों के मैसेजेस आए हैं अभी ताया जी के संगत के दौरान ही कि अंकल ताया जी का तो फोन म्यूट है और ताया जी बोल रहे हैं गुरु जी की प्रेजेंस है। मैं कहा हाँ बेटा बिल्कुल प्रेजेंस है, गुरु जी ही की कृपा है कि ताया जी का फोन म्यूट है और ताया जी को हम सब सुन पा रहे हैं, और इससे बड़ी कृपा गुरु जी महाराज की क्या हम सब महसूस कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं छोटा सा एक छोटा जो आप अभी आपने बात कही ना, ये मेरे घर में वाईफाई लगा, उसके अलावा मैं वाईफाई के बाद दूसरा कोई है नहीं। मैं अगर बाहर निकल जाऊं अपने घर से तो ये मेरा वाईफाई बंद हो जाता है, पर गुरु जी अगर चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि उनके हुक्म के साथ सब कुछ है। ये मैं जब आपका मैसेज आया उस वक्त मैं अपने घर से बाहर था, नीचे खड़ा था नीचे अपने सोसाइटी के अंदर, तो मेरा मोबाइल चल रहा था और प्रीति आंटी का टेलीफोन आया कि आपको मैसेज ढूंढने। मैंने कहा हाँ, मैं पता तो चल रहा था कि गुरुजी की मैसेज कहीं से कहीं कन्वे हो रहे, आवाजें आ रही है पर मेरे पास पहुंच नहीं रही। मैंने कहा कोई नहीं मैं अभी आके करता, और मेरा मोबाइल आप मानोगे कैसे मैसेज आया, कोई दूसरा मोबाइल जियो का मोबाइल नेट मेरे साथ पता नहीं कहाँ से कनेक्ट हो गया और उसके थ्रू मेरे को मैसेज आने शुरू हो गए। और ये है मेरा मोबाइल, उसके अलावा अपने BSNL के अलावा कोई दूसरा चलता नहीं, और गुरु जी कैसे अगर मैसेज पहुंचाना चाहे तो कुछ सब कुछ कर सकते। इसलिए हम यही कहेंगे हमारे गुरु जी के लिए, हम तो यही कहेंगे हैट्स ऑफ गुरु जी आपके लिए, हम जितना भी शुक्राना जितना भी आपके लिए कर सकते सबसे कुछ हम उसके लिए कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ एक तिनका क्या एक रत्ती भर मिट्टी का ढीला भी नहीं है जो हम आपके लिए, पर जो आपके लिए आप जो हमारे लिए कर रहे हर संगत के लिए गुरु परिवार के लिए उसके लिए हम तो यही कहेंगे आपकी ब्लेसिंग से ही सारा कल्याण हो रहा है और सब कुछ है। पता नहीं मैं तो आप कई बारी बहुत बड़ी मेरे को कई चीजें मैसेज आते हैं कैसे कैसे गुरु जी के क्या क्रात करते हैं और हमें पता नहीं, पर गुरु जी करने वाले सब कुछ है। इसलिए जो अभी आपने मेरे को सुनाया ये फैक्ट है कि ये मैं कई बड़ी बहुत बड़ी कईयों से सुना कुछ कुछ क्या क्या कुछ बहुत कुशम के किस्म के कहने का मतलब होगा कि बहुत कुछ दिखाते हैं गुरुजी, और हम चाहते हैं कि गुरुजी हमें ब्लेसिंग देते रहे। हम यही सोचते हैं कि हमारे लिए ये ब्लेसिंग वाला दिन है ना कि अपना समाधि दिवस है। इसलिए शुक्राना सारे गुरु परिवार का जो यहाँ जुड़ा है, और सारे गुरु परिवार सेवादारों को जो कि द बैकबोन ऑफ द अपना ये प्लेटफॉर्म के हैं, और जो उनके बिना ना हम इकट्ठे हो सकते ना ही गुरु जी भी उनको ही मौका देते हैं कि कैसे कैसे मेरे से कैसे उनके अंदर श्रद्धा भाव है, तभी वो जोड़ते हैं और तभी वो सारा कुछ करते हैं। इसलिए सबका कल्याण और बरसात हमेशा गुरु जी
बरसाते रहे हमारे गुरु परिवार पर और कल्याण करते रहे, यही है। शुक्राना 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 गुरु जी। अंकल अभी भी आपका फोन म्यूट है, सब संगत देख सकते हैं कि आपका फोन अभी भी म्यूट है और फिर भी गुरु जी की असीम कृपा है हम सब पर। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने अभी वो आपने लिखा था ना, मैं अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा था, म्यूट हो नहीं रहा था, पता नहीं आपने भी क्या। आप म्यूट हो, बिना म्यूट किए, बिना अनम्यूट किया म्यूट हो अंकल। चलो ये सब मैं लीला जोशी आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अनम्यूट हरसेल्फ, संगत करें प्लीज। जय गुरु जी। लीला जोशी आंटी, जय गुरु जी। लीला जोशी आंटी, जोशी आंटी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय गुरु जी, आपने ही अनम्यूट करना था अंकल, मैं तो ट्राई कर रही हूँ तब से। जय गुरु जी, जय गुरु जी। क्या आज क्या सत्संग करूं, कैसे करूं? मुझे तो जब सुरेश अंकल का फोन आया था तो सोच रही थी कि आप मुझसे कहते हैं सत्संग करने के लिए, ये गुरु जी की उस्ताद है, गुरु जी की उस्ताद करना तो मेरा धर्म है, फर्ज है और मैं जरूर करूंगी। लेकिन आज का दिन तो ऐसा भारी सा दिन लग रहा था, दिन में क्या बोलूंगी क्या कहूंगी। गुरु जी के सामने बैठी हूँ और उनसे यही था टेक के मैंने अरदास की है कि गुरु जी आप ही बताना, आप ही मुझे कहना कि मैंने क्या कहना है। भगवान है गुरु जी, ये तो हम सबको मालूम है, लेकिन हम लोग जो जिन्होंने हमने साक्षात रूप में जिन्होंने देखा, उनकी आंखें गुरु जी ने, उनकी हम लोगों के आंख में पर्दा डाला हुआ था गुरु जी ने, और गुरु जी सब कुछ कहते हुए भी सारा कुछ छिपाव दे रहे थे हमसे। हमेशा कहते थे रब तुहाडे कोल बैठा है, रब तुहाडे अंगसंग बैठा है, फिर भी हमको समझ में नहीं आया कि गुरु जी महाशिव हमारे साथ हमेशा बैठे थे। और ये बात हमें गुरु जी ने अपने जाने के बाद ही एहसास कराई, खासकर मैं अपने लिए कहूंगी, क्योंकि बहुत संगत ऐसी है जिनको आभास हो गया था। मैं तो गुरु जी को पूर्ण गुरु और हमेशा महापुरुष ही समझती थी, लेकिन गुरु जी मेरी तब चाहे महापुरुष समझती थी, चाहे जो भी समझती थी, गुरु जी मेरी नस नस में, मेरे अंग में, अंग संग मेरे सांसों में बसे थे। क्योंकि गुरु जी हमेशा जब मैं कुछ भी सोचती थी तो गुरु जी कहते थे तेरे अंदर बैठा है, तेरे अंदर बैठा है, तेरे अंदर बैठा है। और सचमुच गुरु जी हम सबके अंदर है अभी भी, ये मानव शरीर जो हम सब ने पाया और गुरु जी जो महाशिव जो गुरु रूप में हमारे लिए आए इस धरती पर, तो उन्होंने मानव शरीर उन्होंने पाया था, इसलिए उसको तो जाना ही था। और गुरु जी ये इंडिकेशन भी बहुत बार देते थे कि मैं तो लाइट से आया हूँ और लाइट में ही चला जाऊंगा। तो उस समय तो कुछ समझ ही नहीं आता था कि गुरु जी ऐसे क्यों बोलते हैं, और कभी कभी वैसे जनरल छोटी ऐसे मजाक सी बात में कहते थे मैं चला जाना, फिर देखोगे, फिर तुसी देख याद करोगे। तो हम लोग वही समझते थे कि गुरु जी पंजाब चले जाएंगे, या तो हम लोग भी कभी कभी तो जब गुरु जी ठीक मूड में होते थे, बोलने की हिम्मत होती थी, तो हम भी बोल देते थे गुरु जी हम भी आपके साथ चलेंगे। आगे हमें पता नहीं था कि गुरु जी हमें क्या इंडिकेशन दे रहे। और गुरु जी तो अपनी मर्जी से ही गुरु जी ने अपना ये चोला छोड़ा, जितना और जितना कल्याण उन्होंने अपने शरीर में रहते हुए करे उसमें उनको काफी लिमिटेशन थी, क्योंकि मनुष्य शरीर में होने के कारण उनको बहुत सी मर्यादाएं पूरी करनी होती थी। मनुष्य की तरह ही रहना होता था, हम लोगों को दिखाने के लिए खाना भी खाना पड़ता था,
और बाकी चीजें भी उनको करनी होती थी जो कि उनके लिए कुछ जरूरी नहीं थी और ना ही उनको उनको करनी थी वो, क्योंकि वो कभी कभी उन्होंने कहा भी था कि ये खाना ये जो मैं खाता हूँ ये मेरा खाना तो सचखंड से आता है कहते थे गुरु जी, फिर भी नहीं समझ में आता था हमें, फिर भी हमें समझ में नहीं आता था कि ये गुरु जी ने क्या कहा और वो आई गई हुई सी बात ऊपर से निकल जाती थी, लेकिन ये सच बात है। तो ये जो मर्यादाएं गुरु जी शरीर में रहते हुए मर्यादाएं करते थे उसमें गुरु जी को बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस होती थी जो वो करना चाहते थे और वो नहीं हो पाती थी जहां तक मेरी बुद्धि कहती है। और अब शरीर छोड़ने के बाद गुरु जी व्यापक हो गए हैं, व्यापक व्यापक मतलब सब आपको पता ही है व्यापक कितने कण कण में समाए हैं गुरु जी। और अब गुरु जी को के ऊपर कोई मानव शरीर या मनुष्य के जीवन वाली जो उलझने सुलझने होती है कुछ भी नहीं है, सबसे ऊपर है गुरु जी और सब वो कहां से देखते जा रहे हैं और सबके सबका कल्याण करते जा रहे हैं, ये हम लोग अपने आप प्रत्यक्ष महसूस कर रहे हैं। और मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ कि गुरु जी ने अपना शरीर त्याग करके हम लोगों को भी तो ये बड़ी सीख दी है कि जो इस धरती पे आया है उसको जाना है, ये चीजें हमको पता होती है, हम सोचते हैं हमें तो पता है जो आया है वो जाएगा, लेकिन हम अपने को सोचते हैं कि नहीं हम तो बादशाह हैं, हमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, हमने तो जीना ही है, हम तो मतलब हमेशा के लिए हैं, मतलब ये चीज हम भूल जाते हैं, मौत को तो हम हमेशा भूल ही जाते हैं। तो गुरु जी ने अपना शरीर त्याग करके इतनी बड़ी सीख हमें दी है कि सब कुछ यही रह जाना है और आप लोग आपस में प्यार से रहो और जो जो गुरु जी ने आशीर्वाद दिए हैं उनको उसकी उसकी ऐश करो। गुरु जी ने कभी हमें नहीं कहा कि तुम मालाएं जपते रहो ध्यान में ऐसे मंदिरों उसमें जाके पहाड़ों में जाके भगवान को पूजो, बिल्कुल सरल लाइफ अपना सारा जीवन जो है वो परिवार के साथ अपने अपने परिवार के साथ अपने समूह के साथ अपने समाज के साथ खुशी से बिताओ और सारे जगत को अपना मित्र समझकर अपने बंधु बांधव समझकर प्यार से रहो, उसी में सबकी भलाई। और गुरु जी ने ये सब हमें इस कोविड के उसमें, जैसे गुरु जी हमेशा कहते थे बहुत माड़ा समय आ रहा है, तो ये जो बीमारी आई उसमें दिखा दिया गुरु जी ने कि सारे संसार को सारे वर्ल्ड को एक सूत्र में जोड़ दिया है गुरु जी ने। हम सोचते थे हम इतने ही संगत गुरु जी की हैं, लेकिन गुरु जी ने पूरे विश्व को हम सबको एक साथ जोड़ दिया है इस माध्यम से, ये जूम माध्यम से। और अब गुरु जी हर क्षण अपनी प्रेजेंस भी दिखाते हैं और अपना कल्याण भी सब कुछ करते रहते हैं। तो गुरु जी जो है वो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मुझे एक जब हम कोई जिस दिन हम आखिरी टाइम था गुरु जी जब ये वाला, तो वैसे समय याद करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बताती हूँ कि जिस दिन लास्ट सत्संग था, लास्ट संगत थी संडे के दिन, उस दिन गुरु जी उस दिन बहुत बहुत रश था, बहुत रश था। और जब धीरे धीरे लंगर के बाद काफी लोग चले गए जैसा हमेशा हुआ करता था और थोड़े से लोग बैठे, तो गुरु जी हमेशा की तरह मुझे कहा करते थे कि कड़ा प्रसाद बनाने के लिए, और तो मैं कड़ा प्रसाद बनाने के लिए किचन में गई थी और झाक झाक के बीच बीच में देखती जाती थी अंदर, तो कुछ संगत बैठी हुई थी और वो जो है अचानक ही मैंने देखा कि गुरु जी सत्संग कर रहे हैं। वैसे गुरु जी कुछ बोलते नहीं थे, किसी से कुछ कहते नहीं थे, ना सब कुछ आवाज आ रही है मेरे बैकग्राउंड, तो
तो गुरुजी कभी भाषण या कोई ऐसे प्रवचन नहीं दिया करते थे, और कभी कभी जब मूड होता था तो अपनी गद्दी से ही बैठ के कुछ बोलते थे, कुछ जो दो चार लोग, 15 लोग 20 लोग। उस दिन भी गुरु मैंने पहले भी सुने थे थोड़े थोड़े शब्द, वो मेरे कानों में पड़ रहे थे। तो गुरुजी वही बोल रहे थे कि हम लोगों से अच्छे तो पशु होते हैं जिनकी जिनकी चमड़ी भी काम आती है, जूता बना सकते हो, पर्स बना सकते हो, दूध देने के काम आता है, खाने के काम आता है। और मनुष्य इतना ऐसा है कि स्वार्थी, जो ना इधर ना उधर, तो अपना ही स्वार्थ हमेशा सोचता है। तो आपको उससे ऊपर उठ के रहना चाहिए। मतलब गुरुजी का यही एक तरह से उनका उनकी शिक्षा यही थी कि आप हर एक किसी की भलाई करिए और किसी का बुरा मत करिए। अगर भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करिए। ये सीख गुरुजी ने हमें दी थी। और गुरुजी कहते थे कि अपना अंदर साफ रखो, अंदर साफ रखोगे तभी वहां भगवान बैठेंगे। अपना भांडा साफ रखो। जैसे मैं भी हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी का ये कथन तो सबसे पहले मानना चाहिए, और भांडा अपना ही देखना चाहिए, दूसरे का नहीं। अपना भांडा साफ करोगे तभी कल्याण है। ऐसा हम हर एक व्यक्ति सोचे तो शायद सबका ही कल्याण हो। और ईश्वर के विषय में तो किसी के भी, हाँ, फिर मैं आगे ये कहना चाहती थी कि उस दिन तो संगत पूरी हो गई और सब लोग चले गए, जैसे हम लोग हमेशा की तरह किया करते थे कि लेट जाना, सबसे देर में जाना, सब कुछ वो करके और उसके बाद चले गए। लेकिन जब वो दो तीन दिन का गैप बीच में था, नॉन संगत डे था, तो मैं तो नहीं जाती थी। लेकिन जोशी अंकल वो जब भी गुरु जी बुलाते थे या ऑफिस से आते समय ये हमेशा वहां जाया करते थे। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, रविवार के दिन हमारे यहाँ उनके जीजा जी बॉम्बे से आए हुए थे, मेरे हस्बैंड के जोशी अंकल के ब्रदर-इन-लॉ, तो जीजा जी आए हुए थे, तो इसलिए वो सीधे घर आए और उस दिन नहीं गए गुरु जी के पास। और जब गुरु जी की तबीयत खराब थी तो रात को भी किसी का फोन नहीं आया, कुछ कोई समाचार नहीं था। और हम लोग भी ये सोच ही नहीं सकते थे कि गुरु जी की तबीयत खराब है। और गुरु जी को ऐसे जब बाद में सुना था हमने कि उनको पेट में दर्द हो रहा था, तो मैं सोचती थी कि कितना कितना भारी भारी पेट में दर्द, तो मैंने अपनी आंखों से गुरु जी को झेलते हुए देखा है, किसी का कष्ट लेते हुए देखा है। और जब बाद में पता लगा था कि गुरु जी ने समाधि ले ली, तो तब मैं सोच रही थी कि कितना भारी भारी कष्ट झेलते हुए मैंने देखा गुरु जी को। उस समय तो गुरु जी को कुछ नहीं हुआ, और ये अभी जरा सा एक दिन के पेट दर्द से गुरु जी को क्या हो गया ये। और हुआ ये था कि वही रात को जब गुरु जी को जो भी लोग वहां थे जब हॉस्पिटल ले गए होंगे, तो वहां से किसी का फोन आया छोटे मंदिर से कि जोशी अंकल को कि गुरु जी की तबीयत बहुत खराब है और आप आइए। अब ये तो बेतहाशा गाड़ी उठाई और चल पड़े हम अकेले। न ये पता था कि कहाँ गए हैं, कौन से हॉस्पिटल में, या कहाँ किस, फोन कोई उठा नहीं रहा था, जाए तो कहाँ जाए। और सीधे पता नहीं, जैसे गुरुजी खुद ही खींच रहे हों, और गुरुजी ने सीधे एम्स की तरफ उनको पहुँचाया। और वहाँ जो भी हुआ वो हमें बाद में उन्होंने बताया। और ऐसी तो न्यूज थी, क्योंकि हम लोग तो जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी कि गुरु जी ने खुद ही सब कुछ किया है, खुद ही उनकी इच्छा से वो अपना शरीर त्यागा है। लेकिन इतना तो वो था ही नहीं कि समझ सके कि ये तो होना ही है करके, ना
ऐसा तो कैसे हो सकता था, ऐसे सब लोग शॉक और समझ में ही नहीं आता था क्या बोले क्या नहीं बोले। तो सुबह सुबह आगे बड़े मंदिर, पहले मंदिर हॉस्पिटल गए, गुरु जी के चरणों को हाथ लगाया, ऐसे लग ही नहीं रहा था, बिल्कुल साक्षात चरण लग रहे थे उनके। और जबकि हम काफी देर के बाद पहुंचे थे वहां हॉस्पिटल। चलो वो खैर मैं वो याद नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि गुरु जी अभी भी हमारे अंगसंग हैं। वो सब लीला गुरु जी ने, जैसे अभी हम शिव पुराण में पढ़ रहे हैं कि सब शिव शंकर जी भोलेनाथ जी वो कितनी लीलाएं करते हैं, ऐसे ही जो गुरु जी साक्षात जब अपने शरीर में आए तो उन्होंने हमारे साथ ये सब लीलाएं की और ये अंतिम लीला भी उन्होंने की हमारे साथ। तो हम मूर्ख मानव क्या समझ सकते हैं कि ये गुरु जी क्या कर रहे हैं, हम तो अपनी तरह समझ के और रोने धोने में लगे हुए थे। और गुरु जी ने जो फिर ये हमको अपना सबको एहसास अलग अलग तरह से दिलाते हैं गुरु जी अभी भी कि मैं हूँ। कभी हवा का झोंका आता है, कभी खुशबू आती है, कभी कोई छू के चला जाता है, और गुरु जी हमेशा साथ साथ होते हैं। एक चीज मैं कहना चाहती हूँ और, एक फंक्शन था मंदिर में, उसमें हंसराज हंस आए थे, शायद गुरु पूर्णिमा थी या मुझे याद नहीं आ रहा क्या था, जब गुरु जी का आसन बाहर लगाया हुआ था शिव मूर्ति के सामने, और सामने जहाँ पर गुरु जी की समाधि है वहां पर एक स्टेज बना था काफी बड़ा, और उसमें हंसराज हंस आए थे। खूब बहुत अच्छा फंक्शन हुआ था उनका, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाए थे, क्या क्या मुझे याद नहीं, बट एक चीज जो अंदर दिल के बसी थी वो ये थी कि उन्होंने जब वो अपनी अपनी जो भी सूफी कलाम या जो भी सुना रहे थे वो, तो उन्होंने एक ये बोला था, मैं बताती हूँ आपको, भगवान और ईश्वर या गुरु और शिष्य के बीच में एक वार्तालाप चल रहा है। तो गुरु कहते ही तो शिष्य पूछता है गुरु से कि मैंने कहा तेरा पता, तो गुरु जी कहते हैं उसने कहा हर दिल में हूं, मैंने कहा तेरा पता, गुरु कहते हैं हर दिल में हूँ। गुरु जी हमेशा ही बोलते थे रक्त वडे भी अंदर बैठा है, रक्त वडे अंदर बैठा है, रक्त वडे अंदर बैठा है। इतना कह के ने के बावजूद भी हम और जगह क्यों देखे, अपने अंदर देखे ना। और फिर मैंने कहा देखा नहीं, हमारी तो आंखें ही नहीं ना इतनी कि हम उनको नीचे देख लें, अपने अंदर बैठे हैं तो देख लें, मैंने कहा देखा नहीं, तो गुरुजी ने कहा किस्मत तेरी, गुरुजी ने कहा किस्मत तेरी, तू तेरी आंखें तेरा तेरा भाग्य, तूने मैं तो तेरे साथी हूँ, तू ही नहीं मुझे देख पा रहा, देखना मैं तो तेरे साथी हूँ, उसने कहा ये तो तेरी किस्मत है, लेकिन इस किस्मत को भी मेरे गुरुजी जो है वो अपनी कृपा से जब तक जब उनकी कृपा होती है तो उस किस्मत को भी वो बदल देते हैं और वो दिखा देते हैं कि मैं तेरे दिल में बैठा। उसके बाद उसने कहा क्या खाएगा, अब गुरु जी पूछ रहे हैं कि क्या खाएगा, मैंने कहा तेरे नजर, उसने कहा क्या खाएगा, मैंने कहा तेरे नजर। कभी हम कहते थे ना गुरु जी एक बार देख लीजिए हमारी तरफ, प्लीज एक बार देख लीजिए, तो उस शिष्य का कहना कितना अच्छा है, वो जब पूछ रहे हैं कि क्या खाएगा उसने कहा मैं आपकी नजर अपनी नजर सामने रखी, उसने कहा क्या खाएगा, मैंने कहा तेरे नजर, उसने कहा मर जाएगा, मेरी आंख की दृष्टि पड़ गई तो तू मर जाएगा। और ये चीज गुरुजी ने हमारे से साक्षात कही हुई है कि अगर मैं अपना असली रूप
तुम लोगों के सामने ला दूं या रह जाऊं तो तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। किसी और किसी को भी थोड़ी भी छवि दिखाई थी जिन किसी के भाग्य में था ऐसा, एक चंडीगढ़ की कोई थी वो भी, और ये किसको, वो कितने दिनों तक वो पगला से गई थी और रोती रही थी, जज साहब थे उनकी बेटी थी वो। तो ये गुरुजी ने कहा, कहते थे गुरुजी कि अगर मैं अपने साक्षात रूप को तुमको दिखा दूं तो तुम लोग कोई बचोगे नहीं। तो वही यहाँ पे है, यहाँ पे वो कह रहे हैं, उसने कहा मर जाएगा, तो मैंने कहा झगड़ा जाएगा। तो शिष्य का कहना भी कितना अच्छा है, शिष्य कह रहा है कि भगवान तू मुझे अपने दर्शन तो दिखा दे, मैं तेरे चरणों में कमते अंतिम अपनी सांस ले लूंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, मेरे को क्या है ये इस दुनियादारी में रखा, मैं तेरे चरणों में रहना चाहता हूँ और तू अपनी धीरे नजर मुझे दिखा दे, मेरा ये झंझट संसार का जो है ये सब चला जाए। बस यही कहते हुए मैं राम दूंगी यही व्यक्ति, कोई भी भूल चूक हो माफ करिएगा गुरु जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु, जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। मैं अनिल कुमार अरोड़ा अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी अनिल अंकल, जय गुरु जी महाराज। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी प्रणाम। और आज का दिन ये वो दिन है, जैसे अभी जोशी आंटी कह रही थी कि हम याद नहीं करना चाहते ये पल, क्योंकि वो दिन याद करने से दिल इतना दुखता है मैं बता नहीं सकता आप सबको। क्योंकि आंटी ने इस बात का जिक्र किया, मैं उसको थोड़ा सा अपना अनुभव भी उसी दिन का शेयर करूंगा पहले, बिफोर आई डू माय ओन सत्संग। 28 तारीख को सैटरडे था, तो सैटरडे हमारा दिन होता था गुरुजी के पास जाने का, तो हम गए हुए थे, गुरुजी से बैठे मिले और बड़े प्यार से जैसे हमेशा की तरह आशीर्वाद दिया, लंगर कराया, एकदम अच्छे तरीके से जैसे हमेशा उनको देख के मतलब देखते रहते थे। सो आगे वापस, फिर सडनली जब 31st को सुबह अराउंड 5:30 आई गॉट अ कॉल फ्रॉम शर्मा अंकल, आई मीन टू से कमांडर शर्मा हु इज माई नेबर, उन्होंने मुझे बोला अनिल जल्दी तैयार हो, गुरुजी बहुत बीमार हैं, एडमिटेड हैं हॉस्पिटल में। विद इन 10 मिनट्स बोथ ऑफ अस हम लोग निकल पड़े एंड स्ट्रेट पहुंचे एम्स। बाहर हमने देखा सिंगला अंकल बैठे हुए थे, फिर हम किसी तरह से पूछ पूछ के आईसीयू में जहां पर गुरुजी थे उधर गए। जैसे ही मतलब हमने आईसीयू के अंदर प्रवेश किया, द होल आईसीयू वॉज फुल ऑफ गुरुजी's फ्रेग्रेंस। एंड यू नो वो दृश्य देखा नहीं जा रहा था, जिस तरह से गुरुजी लेटे हुए थे, गुरुजी के चरणों पर हम लोगों ने प्रणाम किया, और वो पहली बार था जब गुरुजी के चरण हमने साक्षात देखे, क्योंकि हमेशा जनरली गुरुजी सॉक्स में होते थे और वहां पर उस दिन वो बिना सॉक्स के थे। कुछ देर वहां रुककर फिर हमें बाहर जाने के लिए कह दिया गया।
हमारे कोर्स में ये मतलब कहते हुए मुझे शर्म नहीं आ रही कि हमारा रोना रुक नहीं रहा था, इतना रोए और मतलब आई कांट टेल यू वो फीलिंग्स दे वर डिफरेंट टोटली। जैसे कि हमारा सब कुछ चला गया, गुरुजी ने मतलब इतना हम लोगों को प्यार दिया हुआ था, कभी कोई तकलीफ होती, कभी कुछ मन में शंका होती तो ऐसे होता था चलो जल्दी से शुक्रवार सैटरडे आए और जाके गुरुजी से बात कर लें, गुरुजी से पूछ लें। आज वो इतना हम इस बात को मिस करते हैं। खैर वो साक्षात भगवान है, वो सब देख रहे हैं, सब जानते हैं, सब सुन रहे हैं, लेकिन हम इंसान हैं, हमारा आज भी मन करता है बस गुरुजी के एक बार दर्शन हो जाएं। सो दैट वाज द एक्सपीरियंस। उसके बाद ऑफ कोर्स बड़े मंदिर में जो भी मतलब गुरुजी के अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां हुई वो अब आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक ऑन दैट। मैं आप लोगों से अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। ये 2006 की बात है। जनरली हम जब भी बाहर जाते थे, बाहर मींस आउट ऑफ कंट्री, तो मैं गुरुजी से परमिशन लेता था। सो एंड मेरा ट्रैवल रशिया बहुत ज्यादा होता था, तो मैंने ऐसे गुरुजी को बोला गुरुजी एक हफ्ते वास्ते जरा रशिया जाना है मॉस्को आ गया। तो गुरुजी ने कहना जाओ ऐश करो। सो इतना कह देना मतलब इट इज परमिशन ग्रांटेड। सो मैं चला गया जी। उस ट्रिप में ऐसा हुआ कि सैटरडे संडे बीच में पड़ गया। सो सैटरडे संडे यूरोप में जनरली यूरोपियन सिटीज आर डल, सारे लोग अपने कंट्री हाउसेस में चले जाते हैं मोस्टली। सो आई वाज इन माय होटल एंड आई थॉट चलो थोड़ा लेट से उठेंगे, लेट फिर लंच करने बाहर जाऊंगा। सो अराउंड 2:30 मैं अपने होटल से निकलता हूँ और पैदल आई एम गोइंग टूवर्ड सम शॉपिंग प्लेस जहां पर फूड कोर्ट होगा तो मैं खाना वाना खा के आ जाऊंगा। मॉस्को से मैं बहुत ज्यादा भली भांति परिचित हूँ बिकॉज मैं बहुत ज्यादा मतलब वहां जाता था और अभी भी जाता हूँ, और भली भांति इसलिए परिचित हूँ कि मैं इंडियन एम्बेसी मॉस्को में पोस्टिंग भी कर चुका हूँ उससे पहले। तो मैं पैदल जा रहा था, उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग के सामने से गुजर रहा था, सडनली मेरे पास एक बंदा आता है, वो अपना एक आई कार्ड फ्लैश करता है, सिविल ड्रेस में है और कहता है जी शो मी योर डॉक्यूमेंट्स। सो और ये बड़ा कॉमन है रशिया में, फॉरनर्स के डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं टू चेक whether you are a legal visitor or a illegal. So मैंने अपना लेदर का मेरे पास हाथ में पाउच था, मैंने खोला पासपोर्ट निकालने के लिए। इन द मीन टाइम तीन लोग और आ गए। खैर मैंने अपना जैसे ही वो पाउच खोला तो एक बंदे ने स्नैच कर लिया वो मेरा पाउच, और उसमें से जितनी भी करेंसी थी डॉलर्स एज वेल एज इंडियन रुपीस वो उन्होंने निकाल के बाकी सब फेंक के दे ऑल फोर रैन इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब बात कर रहा हूं मैं 2006 की, उस समय मैं और मतलब उतने साल सोच लीजिए आप 16 साल यंगर था, एंड बीइंग अ एक्स फौजी तो वो तो था कि यार छोड़ना नहीं है,
I just ran after the person who was nearest to me, और मैंने somehow जाके उसको पकड़ लिया और गर्दन से दबोच लिया and started मतलब abusing him in Russian language which I speak. और उन्होंने नहीं सोचा था, उन्होंने सोचा सेंटर में है, फॉरनर है, टूरिस्ट होगा, लूट के चले जाएंगे. खैर जी, वो गर्दन दबोची रही और मैं उसको देता रहा frankly speaking गालियां, और I started shouting for help but nobody came forward. Now in the meantime जो मुझे throughout threaten कर रहा है कि आप मुझे छोड़ दीजिए, otherwise you will be killed here. मैंने भी जिद ठानी हुई थी कि नहीं, और मैंने ऐसे करते करते जी करीब 15 से 20 मिनट हो गए और उसकी गर्दन मेरे हाथों में. फाइनली यू नो पता नहीं मुझे मेरे मन में क्या आता है, मैं अपनी आंखें बंद करके जस्ट गुरु जी का ध्यान लगाता हूं और मैंने अपने मन में सिर्फ एक सेंटेंस बोला, गुरु जी मैनू इस मुसीबत चो कढ़ो. बिलीव मी संगत जी, विद इन 2 मिनट्स वो बंदा अपने घुटनों पे गिर जाता है एंड ही सेज मेरे को बख्श दो, मुझे छोड़ दो, मैं आपके सारे पैसे वापस मंगा दूंगा, लेकिन मुझे प्रॉमिस करो कि मुझे पुलिस को नहीं दोगे. नाउ मैंने भी सोचा मेरी ट्यूसडे को फ्लाइट है, अब मैं अगर पुलिस के झमेले में फंस गया तो मेरा भी डिपार्चर डिले हो जाएगा. सो आई सेड ओके, आई विल नॉट गिव यू टू द पुलिस. तो उसने जी अपना मोबाइल फोन उठाया और उसमें फोन करके खाली एक वर्ड बोला, रिटर्न. इन नेक्स्ट 10-15 मिनट्स अ फिफ्थ पर्सन कम्स और वो सारे पैसे मेरे वापस ले आया. अब क्योंकि इतना सब कुछ हो गया था, मुझे अब माइंड में शक भी आ रहा है कि कहीं उन्होंने फेक डॉलर्स ना दे दिए हो मुझे वापस. तो मैं उसको गले से दबोचता हुआ ही जी नियरेस्ट फॉरेन एक्सचेंज काउंटर पे गया, पहले अपनी सारी करेंसी चेक कराई, जब उन्होंने कंफर्म कर दिया देन आई लेफ्ट हिम. आई सेड अब तुम जाओ. अब मूड मेरा आप इमेजिन कर सकते हैं इतना खराब हो गया था. आई केम बैक टू माई होटल एंड मैं बहुत रोया कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है. मैं पिछले मतलब उस समय मेरे को हो गए थे ऑलमोस्ट 33-34 ईयर्स दैट आई वॉज ट्रेवलिंग टू रशिया, कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है. एंड पता नहीं वो रोते 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 मैं जी कब सो गया मुझे नहीं पता. देन सपने में गुरुजी प्रकट होते हैं. गुरुजी ने अपनी तीसरी आंख खोल के पूरी पूरी लाइट मेरे चेहरे पे दी और अपना हाथ मेरे सिर पे रख के मेरे को ब्लेस किया. और उसके बाद मेरी तो नींद सुबह जाके 10 बजे खुली. मतलब मैं यू कैन इमेजिन 4 बजे का मतलब लेट से सोया था और मैं जाकर उठाऊं अगले दिन 10 बजे. नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स एवरीथिंग वाज नॉर्मल, सब कुछ. मंगलवार को वापस आ गए इंडिया और थर्सडे दिन पड़ा जब संगत का, तो इमीडिएटली वी रश टू गुरुजी. जैसे ही एम्पायर स्टेट में 3 सीढ़ियां नीचे उतर के राइट टर्न लेता हूं तो गुरुजी दूर से ही देख के स्माइल करते हैं और सिर हिलाते हैं, टेलिंग मी दैट मैनू पता है, यू नो. सो यू नो दिस वाज वन एपिसोड जिसमें मतलब गुरुजी ने मेरी जान बचाई
मुझे ब्लेस किया और मतलब ऐसा एक्सपीरियंस दिया कि गुरुजी इज एवरीवेयर, ओनली थिंग इज कि आपको सच्चे मन से उनको याद करने की देर है बस। सो इस तरह से गुरुजी की कृपा बनती रही, ऐसे बहुत मतलब गुरुजी की कृपा एक अपने पे नहीं होती, पूरे परिवार पे गुरुजी ब्लेस करते हैं आपको, बच्चों को तकलीफ नहीं आने देते, क्योंकि अगर आप खुश हैं आप तब खुश हैं जगह आपका परिवार खुश है। ताई गुरु जी कहते सी मैं एक दे थ्रू तो अड़े सारे नो ब्लेस कर देना। सो देर आर सो मेनी थिंग्स, मतलब ही हैज ब्लेस्ड माय वाइफ आल्सो, दैट इज पोस्ट गुरु जी व्हेन ही लेफ्ट हिज चोला इन 2007। इन 2008 माय वाइफ हैड डेवलप्ड कैंसर। सो गुरुजी ने ऑपरेशन के दिन उसको ब्लेस किया, ऑपरेशन अच्छा हो गया और जिस दिन मैं वापस आया घर उसी दिन मेरे घर पे एक दीवार पे गुरुजी का स्वरूप था और जैसे ही मैं घर में एंटर करता हूँ मैं देखता हूँ उस स्वरूप के बीच में से दीवार पे खून की एक लाइन चल रही है। यू नो दीज आर सम ऑफ द इंसिडेंट्स गुरुजी टेम मतलब हमें बताने का तरीका है। चल मैनू पता है ऑपरेशन हो गया है सब ठीक है ओके। एंड फिर मैंने वो स्वरूप उतारा, देखा जिस लाइन दीवार पे खून की लाइन है फिर उसी की कंटिन्यूएशन ऊपर से चल रही है उस स्वरूप के पीछे वाले वो जो गत्ते का फ्रेम होता है पीछे। So, I don't know what message he was conveying, but my wife was, you know, she went through all the treatment without problems. Since time is limited and there are a lot of sangat who have to do satsang, so aap logon se aagya lunga, bahut bahut shukriya aap sabka. And Jai Guruji to everyone. Jai Guruji Maharaj. Over to you, Gopal Sethi uncle.